या अली मदद, निजार दरवेडिया, राजू फ्रॉम लंदन। ओके, लंदन से बात कर रहा हूं मैं, सबको मालूम ही है, इंडिया में पूरी दुनिया में मालूम है, सब लोग कांटेक्ट कर रहे हैं सब जगह से, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कांटेक्ट करने के लिए, थैंक यू वंस अगेन। आज मेरे को इसके लिए आना पड़ा कि सब लोग बोलते हैं कि मैं हजर इमाम के खिलाफ बात करता हूँ, दशों की बात करता हूँ, मैंने किया ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं किया हूँ। और मेरी एक कोई लिंक किसने डाला था, मेरी कोई भी लिंक नहीं है व्हाट्सएप की, न ही मेरी कोई फेसबुक की लिंक है, जो भी है दिस इज लाइव डायरेक्ट बिटवीन मी एंड अवर जमात, दिस इज मी एंड अवर जमात। मैं अवर जमात बोलता हूँ, वन जमात नहीं बोलता हूँ, इट्स अवर जमात। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं, दहिसर में एक मुराद भाई हेमानी करके कोई आदमी है, बहुत साल पहले मैं जानता था, इंश्योरेंस का एजेंट था वो, आज शायद अच्छा खासा है, अल्लाह उसको और भी देवे। वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है और वो मेरे को पर्सनली नहीं जानता है, पर्सनली मैं भी जानता हूँ उसको और वो भी जानता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ, बहुत साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। तो उसमें वो उसके व्हाट्सएप ग्रुप में लिखता है कि निजार डरेडिया राजू यानी मैं अंधेरी के मुखी सबके पास गया और दशों का हिसाब मांगा, मैंने कभी भी नहीं मांगा, वो मेरी लायकात नहीं है, मेरी औकात भी नहीं है वैसा करने की। और पालघर में मैंने मुखी कमड़े के लिए कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में, मैंने नहीं किया, कभी भी नहीं किया, कोई भी लीडर लोग के लिए नहीं किया, लीडर लोग ने किए, जो मैंने रिपीट किया हूं ना, 2015 में जो मेरे पे अटैक हुआ था, जो मेरे पे झूठा केस करने में आया था, करीम मरेडिया मुखी मैथान वाला, सिराज कामड़िया वर्सरिया, जेपी मोमिन, जेपी अकबर मोमिन दहिसर वाला, तभी वो प्रेसिडेंट था, और ये दोनों करीम मरेडिया मैथान वाला और सिराज वर्सरिया मुखी था, सिराज वर्सरिया कामड़िया था और करीम मरेडिया मुखी था, सॉरी थोड़ा जरा हो जाता है ना, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल लीडर नहीं हूं ना, और मेरे को लीडर बनना भी नहीं है, मैं राजू हूं, मैं राजू ही रहूंगा इंशाल्लाह। तो बात कर रहे थे अपन मुराद भाई हेमानी, कल मैंने फोन किया था उनको, और जब भी उनको बताया तो मेरे को बोलते ए तमें नथी, यानी कोई भी बात का वेरिफिकेशन करे बिना, कुछ भी बात का वेरिफिकेशन करे बिना मेरे नाम पे ग्रुप में डालते जा रहा है, आ तो आवो मानस छे ना, आ तो तेवो मानस छे ना, जमात ने ब्लैकमेलिंग करवा निकलियो छे, सॉरी लीडर लोग को ब्लैकमेलिंग करने निकला है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है लीडर लोग को ब्लैकमेलिंग करने की, तुम खाली मेरे कमेंट्स देख लो जो मेरी लाइफ पे आते हैं, सब पता चल जाएगा अपने लीडर कैसे है, सारी जमात को मालूम है, लेकिन डरते, मेरे को सब भेजते और बोलते भाई हमें नहीं कह सकता, नहीं तो हमारू आप बंद करी नक्शे ना ते बंद करी नक्शे, क्योंकि मेरे को बताए इसके लिए काय के लिए ऐसा करते है यार, झूठ झूठ क्यों चला रहे हो, ताकत है तो आओ ना लाइव, आओ लाइव आके बात करो, लाइव आके बात करो ना, अगर इतनी हिम्मत है तो। हाँ मुराद भाई हेमानी, मैंने कभी भी बात नहीं किया हूं दशोन की और हिसाब की, दशोन के हिसाब की, हाँ मैंने पालघर में मुखी कमड़े की कभी कंप्लेन नहीं किया हूं, तो मेहरबानी करके मेरे नाम पे ग्रुप में मत डालो, मेरा एक ही पंगा हुआ था जो मेरे को 300 मोमने मारने आए थे ना, वो जेपी अकबर मोमिन के बोलने पे और करीम मरेडिया मुखी और सिराज कामड़िया, इन लोग की सेटिंग जमात खाने में सेटिंग किए थे इन लोग ने, मैंने नहीं सेटिंग किया था कभी उनकी, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। हाँ तो छोटा सा वीडियो आज मैं लाइव इसके लिए डाल रहा हूं, खास करके मुराद भाई हेमानी के लिए, कि वो झूठ झूठ चला रहे कि ब्लैकमेलिंग करे थी लीडर लोग ने, ब्लैकमेलिंग किधर कर रहा हूं यार, झूठा झूठा क्यों डाल रहे मेरे नाम पे। हाँ ये मैं पूरी जमात को बोल रहा हूं, जो भी सुनता है जहां भी सुनता है पूरी दुनिया में सुन रहे सब लोग मेरे को, मेरा एक ही है लॉजिक कि अपनी इस्माइली जमात को चप्पल घसाए बिना टू सर्व द जमात, व्हाट हाजर इमाम सेज दैट यू आर माय रिप्रेजेंटेटिव, और चप्पल घसाए बिना अपनी जमात को हेल्प करो, तुम्हारे को अगर होदा देने में आया है मौला की तरफ से तो वो इसके लिए देने में आया है टू सर्व द जमात, अगर तुम्हारे से नहीं होता है तो मत करो ना, मेरे बोलने पे करेंगे, तुम्हारी ड्यूटी है वो, तुम लोग को सीट देने में आई है ना,
बोलते हाजर इमाम ने अमने पसंद करिया छे। अरे भाई तमने पसंद करिया छे तो मेहरबानी करीने आपड़ी जे जमात छे जेनी जरूरत छे एने हेल्प करो। और क्या बोलता हूं मैं, कहा गिधर किधर नया नया डाल रहे, दसवन का डाल रहे ना, मुखी कामड़े के लिए मैंने कंप्लेन किया था डाल रहे ना। हाँ तुम लोग है मुखी कामड़े प्रेसिडेंट जो जमात को फंसाते, एग्जाम्पल्स दे जाओ पालघर में एग्जाम्पल्स दे, और जो तुम्हारे खिलाफ होता है तुम उसको जमात खाना बंद कर देते, उसकी नांदी नहीं लेते। सच्ची बात करता हूं ना मैं, किधर झूठ बात कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल्स है। हाँ इन लोग के ही एग्जाम्पल है। अभी और एक बात बताऊं, जेपी मोमिन पे हाफ मर्डर का केस लगाया था इस्माइली ने, जेपी मोमिन मुखी कमांडर को हाथ पैर जोड़ना पड़ा, ब्लैकमेलिंग करना पड़ा वो जमात, वो जिसने लगाया था उसको, पालघर की पार्टी है वो। हाई कोर्ट में से इन लोग ने वो किया, विड्रॉल किया केस जेपी मोमिन के नाम पे, मर्डर केस भी है अभी जेपी अकबर मोमिन का। सोचो अभी क्या क्या लाओ, इतनी बड़ी है सब मेरे पास में फाइल उसकी। हाँ और मेरा एक केस झूठा केस वो भी तुम लोग ने किए, काउंसिल मेंबर लोग ने किए, मुखी कामड़ा ने किए 2015 दिसंबर में मोमन भाई की आड़ में, मोमन भाई को झूठा भड़का के और मेरे को ब्लेम कर रहे। हाँ अभी खुद पे आया क्योंकि मैं लाइव आ रहा हूं ना प्लेटफॉर्म पे, मैं आया हूं सबको जमात को जगाने को आया हूं, वो भी उन लोग को जगाने आया हूं जो सोए हुए है, सोने का जो ढोंग कर रहे ना उनको नहीं जगाने का है मुझे। हाँ जो सोए हुए है उनको जगाने आया हूं, और जो ढोंग कर रहे उठे हुए लेकिन आग बन करके पड़े हुए उन लोग को नहीं जगाने का मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी उनको सब पता है और सबको पता है। हर एक काउंसिल की यही हालत है, कितने मेरे को पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रहे हैं, हंजा से कांटेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका से भी कांटेक्ट कर रहे। चलो एक भाई ने कांटेक्ट किया मेरे को, बोलता भाई मेरा हाथ टूट गया है, एक्सेस वाले मेरे को पैसा नहीं दे रहे। मैं बोला भाई जा लाइव जा, तो मेरी ताकत नहीं है लाइव जाने की, मैं तुम्हारे को फोटो भेजता हूं तुम डालो, और मैं तुम्हारे को परमिशन देता हूं मेरे नाम यूज करने की, अटलांटा हेडक्वार्टर जमात खाने का है। हाँ कर लेना इंक्वायरी प्लीज, ये हेडक्वार्टर जमात खाना अटलांटा की बात कर रहा हूं, यूएसए की, उधर भी एक्सेस वाले है, करते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं ना, फंड न थी। अरे फंड किधर नहीं है, बहुत फंड है, बहुत डोनर्स भी है, जाओ ना ढूंढो ना मिल जाएंगे। हाजर इमाम के नाम पे कुछ भी दे देंगे लोग, छोड़ो यार मगजमारी। हाँ मालूम है ना मेरा नंबर 0+44 7956 630360, ये मेरा नंबर है, डायरेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर। हाँ अगर मैं झूठ हूं ना कांटेक्ट करो मेरे को फोन करके और मेरे से बात करो, तुम्हारे को तो बात करने को भी नहीं होती मुराद भाई हेमानी। हाँ ताबड़ तो बहाना करके चले गए, तुम्हें नहीं होता जैसे मालूम पड़ा कि उनकी गलती है, ताबड़ तो फोन साइड में रख दिए। हाँ उसका विटनेस है रहीम पदानिया, अपना रहीम भाई पदानिया जो जोगेश्वरी में रहता है, उसको ही मैंने फोन किया था। मैं बोला भाई तुम मेरे को पहचानते, तो बोलता नहीं पहचानते नहीं, सुना हूं नाम, सुनते नाम सुनते और जबरदस्ती डाल देते। फिर उसको जब मैंने सब क्लियर किया तो मेरे को बोलता सॉरी भाई मेरे को नहीं मालूम था। तभी मैंने उसको बोला कि तेरी व्हाट्सएप चैट पे ना तूने ये किया है बोला है, क्यों राजू भाई ने पण जानू छू ना जेपी मोमिन ने पण जानू छू, जाने बिना मत करो पहले जानो। हाँ पहले जानो, और अगर हिम्मत है लीडर्स लोग को बोलता हूं तो लाइव आके बताओ जमात को तुम क्या करते हो वो। हाँ लाइव आके बताओ जमात को, अगर सच्चे तुम लीडर्स है तो, इस्माइली लीडर्स, इस्माइली काउंसिल के लीडर्स, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारों को बोल रहा हूं मैं अभी। हाँ निकालूंगा एक एक करके, अगर मेरे पीछे पड़े ना किसको छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरे पीछे नहीं पड़ना। हाँ और अल्लाह के सिवा मैं डरता नहीं हूं, हाजर इमाम का पक्का मुरीद हूं मैं। हाँ मेहरबानी करो मेरी नाक में नहीं लगना, मैं खाली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का प्रोग्राम इंटरनली करप्ट इस्माइली लीडरशिप, हाजर इमाम की नाक तले इस्माइली जमात में करप्शन होती है, ऐसे ऐसे मुखी कामड़िया जो है उनको लीडर बनाकर जमात खाने में छोड़ दिया है हाजर इमाम ने, जो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, लोगों के पैसे के साथ खेलते हैं। एक्सपोज करेंगे ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले तो राजू भाई दरेदिया, निजार भाई दरेदिया ने जो है वो इनकी पोल खोल दी है,
मर्डरर, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, ऐसे ऐसे करप्ट लोग जो हैं वो जमात खाने के लीडर बने हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इसी पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में। बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में आ सकते हैं। स्ट्रीम का लिंक आपको दे दिया गया है। मर्डरर, मुखी और कामड़िया, एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके अंदर हाजिर इमाम अपना नूर डालते हैं और उसके नूर की वजह से वो छांटा और तमाम क्रिया कर पाते हैं। खान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान भाई, ऐसे करप्ट लीडर, ऐसे करप्ट मुखी और कामड़िया जिनके अंदर इमाम का नूर आ जाता है छांटा करते वक्त, वो हाफ मर्डर करके इल्जाम में अंदर हैं, वो करप्शन के इल्जाम में, वो लोगों का पैसा खा जाते हैं, नांदी अपने मर्जी के बंदे से लेते हैं। क्या कुछ हो रहा है ये आगा खान की नाक तले, हाजिर इमाम की नाक तले। जैसा देश वैसा वेश बोलते ना ये लोग, उसी तरह जैसा इमाम मुरीद और क्या। निजार भाई दरेदिया के बहुत सारे वीडियोस लीक हुए हैं, बहुत सारे उन्होंने लाइव प्रोग्राम किए, एक तो उन्होंने डिलीट कर दिया था, इत्तफाकन हमारे पास हो रहा है। अच्छा मैं एक और बात क्लियर कर दूं, काफी लोग जो है वो राजू भाई को हमारे साथ लिंक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजू भाई एक अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग पर्सन है, वो अपने जमात के अंदर की करप्शन को लीक आउट करते हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो रिवर्ट है, हम वो है जो इस्लामिज्म को छोड़ आए। राजू भाई अभी इस मालिज्म में फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे करप्शन उनके सामने खुलती जाएगी और वो ये प्रोग्राम करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि राजू भाई की जरूर आंख खुलेगी। खलील अंदानी जो है वो आज हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके ओके, कोई मसला नहीं है भाई। इमाम अली भाई अगर मौजूद है हमारे साथ, तो राजू भाई के ये जो बयान है इस पर अगर कोई बात करना चाहे। खलील अंदानी कहता है लाफिंग माय डैश आउट, अच्छा यू गॉट वन फाइनली, जस्ट बिकॉज यू आर अ मुखी एंड कामड़िया डजंट मींस यू हैव द नूर। अच्छा अगर मुखी और कामड़िया में नूर नहीं होता तो वो जो छांटा होता है गुनाह माफी की, वो फिर कैसे मुखी कर लेता है जब उसके अंदर नूर नहीं है, वो कैसे नहीं, माफ इनका सुल्तान मामाशा का एक फरमान है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि अब मेरे पास ऑन द स्पॉट होता नहीं है और मैं सेव करता नहीं हूँ, पर इनका एक सुल्तान मामाशा का फरमान है कि तम एम नहीं समझता, जमात को बता रहे कि तम एम समझता नहीं कि जाहिर बाने हमें यहाँ मौजूद नहीं, मगर हमारो हमारो नूर हमारा मुखी कामड़िया जमात खनमा हाजर हो क्राइसा होता है। और दूसरी दूसरी और दूसरी चीज उनका और एक एक है उसमें ये बताते हैं वो कि जो हम ओरली भी देखो ना तो मुखी कामड़िया जो है ना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, माने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाजर इमाम, ठीक है ना। तो अगर जब अगर ये बोलते हैं कि अगर मुखी साहब कामड़िया साहब के अंदर हाजिर इमाम का नूर नहीं है तो फिर अल्लाह का नूर भी हाजिर इमाम में नहीं है, सीधी बात है, लॉजिक यही बोलती है मेरी, तो ये तो झूठ हो गए ना। तो उसका मतलब कि माने ये जितना हाजिर इमाम का नूर पूरे मुखी साहब कमरा साहब में डिवाइड हो गया है थोड़ा 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 थोड़ा। अभी आपने सुना नहीं ना प्रोग्राम में, सुना नहीं वो निजार भाई ने तो कहा कि हमें हाजिर इमाम ने चुना है, हम तो अपॉइंटेड हैं, हम तो हाजिर इमाम के पसंदीदा लोग हैं। तो हाजिर इमाम अपने लिए पसंदीदा लोगों में ये मर्डरर और करप्ट लीडर्स चुनते हैं, ये इनके इमाम की सिलेक्शन है। अपने लिए भी गलत बीवियां चुनी, अपने बेटों के लिए भी गलत बीवियां चुनी, जमात के लिए गलत मुखी कामड़िया चुने, इमाम हमेशा ही गलत चीजें क्यों चुनते हैं, सवाल ये है। एक्सपोज करेंगे आज के प्रोग्राम में हाजिर इमाम की जमात के वो चीजें जो इस्माइली इस वक्त फेस करते हैं, इनके अपने इस्माइली खुद भी चीख रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस लाइनअप में रखी हैं हमने, राजू भाई के हवाले से आपने देखा कि किस तरह उनको थ्रेट्स मिलती हैं, अगर कोई इनके निजाम को इनके इस्माइली मजहब को छेड़ता है या उनसे सवाल करता है तो ये आपस में ही उसके दुश्मन हो जाते हैं, ये इनके इस्माइली मजहब के अंदर होता है। एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपोज करने के बाद जो है ये आपके ही दुश्मन बन जाते हैं, ये इस्माइली मजहब है,
यही इनका तरीका है। आगे भी प्रोग्राम में कुछ वीडियोस हैं, स्लोली स्लोली सारे ही शो करेंगे जैसे जैसे हमारे पास व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे। इस्माइली हिंदू सेलिब्रेटिंग मामेरो एट समोड़ा जमात खाना। समोदा है कि समोड़ा है, लेकिन मेरी थोड़ी गुजराती खराब है, लेकिन आई एम ट्राइंग। तो दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पे, एट टू स्ट्रीम। रजीन खान भाई जी बिल्कुल, ये खलील अंदानी है, पागल हो चुका है। रीजन भी हमारे पास आ चुके हैं कि इसके पागलपन की वजह क्या है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम में किसी दिन बनाएंगे। खलील अंदानी मुझे आज ही पता चला है, लेकिन कोई बात नहीं, खलील अंदानी की अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इसके पागलपन की वजह हमें मालूम पड़ चुकी है। कभी इंशाल्लाह विद प्रूफ एक्सपोज करेंगे। ये मामेरो इनका हुआ है जमात खाने का, ये आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। आज का प्रोग्राम सिर्फ एक्सपोज करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि ये अपने जमात खाने, अपने जमात खानों के दरवाजे क्यों बंद रखते हैं, ऐसा ये क्या करते हैं। बापा आ गया। स्माइली गॉड, स्माइली गॉड ऑन टूर। अच्छा, ऐसा लग रहा है हाजरे माम की शादी है। बड़ा शोर किया ना वो। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन सारी भागी हुई है। We should be called गैर हाजिर इमाम, not हाजिर इमाम। He doesn't know anything about the misdeed of his appointed people। सही बात की हमारे भाई ने। ये शादी हो रही है हाजिर इमाम की। ये देखे जी। अच्छा, ये कहां से ये इस्लामिक फेस्टिवल लगता है, किस एंगल से ये इस्लाम से रिलेटेड लगता है? ये औरतें निकली हैं साड़ियों में, गले और पीछे से इनके इतने बैकलेस हुई भी हैं, कैसे इस्लाम हो सकता है? नाच रही है लीजिए। नाचो जी सारे। इमाम साहब की शादी है। दसों के पैसे खत्म हो गए क्या? मतलब किस तरह की सेलिब्रेशन है, क्या है, कुछ समझ आ रहा है? कुछ सर पैर, कोई इसका नाम, मामेरो होता क्या है, कहाँ से निकला, किस दौर में था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? इस तरह औरतों का रोड पे आ जाना, आदमियों के बीच नाचना गाना, बैंड बाजे, क्या है ये? कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। लैला दोस्तियार जो है वो अफगानी है प्लस इस्माइली है, कहती है व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अच्छा ये नॉनसेंस हमारा नहीं था सिस्टर, ये नॉनसेंस इस्माइली जमात का है। नॉनसेंस जो है इस्माइली जमात का है। इस्माइली जमात को देखना चाहिए कि उनके यहाँ कितनी नॉनसेंस चीजें होती हैं। अच्छा, इस्माइलियों की नमाज भी देख लेते हैं। ये हमारी, इनका क्या नाम था, मलिका चरानिया, ये इस्माइलियों की इस्माइली है, बल्कि ये नमाज पढ़ रही हैं इस्माइलियों की। सर्वे वखाण अल्लाह माटे छे, जे सगळी मखलूकातनो परवदिगार छे,
अच्छा इमाम ने अरबी में बना के दिए गुजराती में शुरू हो गया जो दिस इज हिपोक्रेसी यू नो वो कहा है ना जैसा आसान लगता है वैसा करो तू हमने सीधा मार्गे चलाओ ते लोको ना मार्ग ऊपर तेजे ऊपर तो ये सारे उन इस्माइलियों के लिए जो कहते हैं हमारे नमाज में रुकू होता है तकबीर होती है तकबीर तहरीमा होती है तो किधर है रुकू कहाँ है तकबीर तहरीमा कहाँ है तशद देख लीजिए सजदा किया नहीं वैसे देखो सुनो ना ताराती तारा पर माने भरोसो छे तू मारो रक्षणहार छे अच्छा फिर अल्लाह को बीच में डाल देते ये लोग ये तो ऐसी बात हो गए कि वो हिंदी बॉलीवुड मूवी के कोई कोई अगर अगर ऐसा बोल दे अशरन ला इलाहा अशरन मोहम्मद रसूल तो मुसलमान बन गया ऐसा इस तरह की बातें करते हैं लोग अच्छा खलील अंदानी के बात सुने कहते हैं व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेटेड टू मदीना अ ग्रुप ऑफ पीपल ग्रीटेड द प्रॉफिट विद ड्रम्स एंड डांसेस दिस इज इन द सरात ऑफ प्रॉफिट क्या मतलब वो औरतें नाच रही हैं उसका क्या ताल्लुक ये सब चीजों से जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन इस्लाम के अंदर वन साइड ड्रम अलाउ है वो भी माने जरूरी नहीं है वन साइड ड्रम माने जो ड्रम वन साइड होता है ना वो मगर हाँ वो ड्रम होता है और उसपे कोई वो म्यूजिक नहीं होता इसके अलावा कोई भी म्यूजिक ले लो पियानो ले लो या तो गिटार ले लो कोई भी म्यूजिक वो हराम है इस्लाम के अंदर हराम क्योंकि उसके अंदर है ना शिर्क की बो आती है शिर्क नहीं है शिर्क की बो आती है उसमें फिर वो क्या होता है वो जो चीजें है वो लेके जाती है शिर्क की तरफ जैसा कि बॉलीवुड मूवी के अंदर जो गाने बोलते है हॉलीवुड मूवी के अंदर जो गाने होते हैं वो सारे के अंदर क्या कुफराना बातें होते शिरकी बातें होती है तो इसीलिए मना किया गया है ये कह रहे हैं खलील अंदानी कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे तो लोगों ने खुशी में ड्रम बजाकर डांस किया यहाँ तो ना इनका इमाम अंदर आ रहा है ना जा रहा है और यहाँ पे औरतें हैं फिर बैंड बाजे म्यूजिक है औरतें नाच रही है तो इनका इमाम तो खुद कहीं मदीने तो आ नहीं रहा इनके बीच या इनके बीच आ तो नहीं रहा कि ये इस तरह के नाच गाने कर रहे हैं यानी इसकी लॉजिक इसके दिमाग में ही नहीं बैठती ये बस लिख पड़ता है थिंक अब इसका दिमाग ऐसा हो गया इसको खुद भी समझ नहीं आता कि मैं लिख क्या रहा हूँ जाहिलों वाली बात करता ही है अभी इसने फिर एक और शोशा छोड़ा है वो भी स्क्रीन पे दिखा देते हैं दिस डांस यू शोड वॉज डन व्हेन द इमाम इज गिविंग दीदार द विजिटिंग द सिटी दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद एट द टाइम मोहम्मद टाइम ये दीदार का नहीं है खलील अंदानी कुछ भी बोलने से पहले ना कुछ रिसर्च मार लिया करो कुछ हाथ पैर मार लिया करो मामेरो है समोड़ा जमात नहीं, ये नहीं नहीं इनको और एक वीडियो बता दो अगर सर्च कर सकते हो तो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लेके जा रहे खानों में ना वो जो सर पे जूड़ा लगा के लेके जा रहे वो जरा बता दो तो उनको और पता चलेगा कि ये हिंदू जन्म है ये कोई नहीं है इसको कहीं भी लेना देना नहीं है ये जाहिल है इसको कहाँ इसका इमाम कहाँ दीदार कर रहा है ये दीदार का वीडियो थोड़ी है और अगर दीदार भी है तो कहाँ इसके इमाम ने ये कहा है कि मेरे सामने औरतें नाचेंगी तो ही जो है वो मेरे दीदार का फर्ज पूरा होगा लगाते हैं इसके इमाम की नाचने की वीडियो मतलब खलील अंदानी को कुछ भी करके ना अपने पैसे हलाल करने और कुछ नहीं है सैलरी लेता है वो सैलरी की जो है वो आप कोई भी मुस्लिम आप कोई भी मुस्लिम स्कॉलर को ले लो जो बड़े मुस्लिम स्कॉलर है उनको ले लो और उनको पूछो म्यूजिक पे उनका बयान क्या है तो वो यही बताएंगे इवन काफी लोगों के फतवे भी यही है कि म्यूजिक इज हराम माने वो हराम है म्यूजिक डांस करना लड़का लड़की के साथ डांस करना ये सब हराम है क्योंकि उसके अंदर जो है एक तो जैसा कि मैंने बताया था कि शिर्क की बो आती है
दूसरा ये होता है कि एक लड़की नाचती है और सारे लोग उसको देखते हैं और ठुमके लगाती है नाउज बिल्ला, और स्माइलियों में तो जरा ज्यादा ही होता है वो, तो फिर वो बस इतना ज्यादा होता है कि वो तो ये जो गरबा खेलते हैं उसमें तो हद कर देते वो लोग। और आप देखो इनकी जो कपड़े पहनने का ढंग है, आज 90% मैं 10% नहीं बता रहा हूँ, 90% इनकी औरतें जितनी भी स्माइलियों की औरत है ना स्लीवलेस पहनती है, स्लीवलेस सारे स्लीवलेस पहनती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। अच्छा और ऐसा नहीं कि खाली पहनती है, जमात खाने आती है स्लीवलेस पहन के, फिर फेसबुक पे इनके देख लो आप सारे पे फोटो आप पूरे इस पे होते, और ढूंढती के सबसे छोटे कपड़े कौन से है वो पहनो, टाइट और छोटे कपड़े। आप मुसलमान की औरतों को ले लो, वो कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनेगी, लूज कपड़े पहनते हैं वो लोग, और उनके कपड़े होते फुल होते। खान भाई एक और बेवकूफ कहता है, अल्लाह के नबी के मदीना में जब आमद का वक्त जो ड्रम बजाए गए और छोटी छोटी बच्चियों ने रसूलुल्लाह की शान में नज़में पढ़ी, लेकिन ये उस वक्त से पहले की बात है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, और म्यूजिक और ड्रम बजाना चाहते, सॉरी मैं इनको जाहिल कर बैठी, वो कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते जी, यही बात है कि वो छोटी बच्चियां थी, उन्होंने नज़में पढ़ी थी। यहाँ पे इस्माइली औरतें, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी औरतें, शादीशुदा औरतें दूसरे मर्दों के साथ नाच रही हैं, उनके हस्बैंड बराबर में खड़े हैं, ये कहां से कंपैरिजन हो गया मदीना वालों का और ये इस्माइलियों के इस चाल चलन का, कोई कंपैरिजन नहीं है। जरा ये मारो तो आप डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड आगा खान फोर्थ बोल के मारो तो आपको आ जाएगा ये वीडियो आएगी, तो उसमें आप देख सकोगे ये लोग मामेरो लेके जा रहे हैं ना सारा। मैं देखती हूँ एक सेकंड, मुझे वो सर्च करना पड़ेगा, क्या डायमंड जुबली ना बी द इस्माइली 100% फॉलो अवर हाजिर इमाम मोर देन एनीथिंग बिकॉज दिस इज व्हाट अल्लाह सेड इन कुरान टू डू, सो अल्लाह ने कहा इनको ये सब कुछ करने के लिए जो कर रहे हैं ना, ये पीछे स्क्रीन पे सब कुछ जो चल रहा है इनके, इनको इमाम ने नहीं, इनको अल्लाह ने कहा है, इनके हिसाब से ये इनकी जहालत है, इनके हिसाब से इमाम जो कहता है वो अल्लाह कहता है, और इमाम ने कहा है कि ये सब कुछ करो तो ये सब कुछ जो है वो जायज है इस्लाम में, ये तो इनकी हरकतें हैं। नूरुल्लाह भाई, नूरुल्लाह भाई आप इधर माइक पे आके बोल लेना, आप कमेंट्स कोने में लिख रहे हैं, आप भी क्या छुप छुप के बोलने शुरू हो गए आजकल। जी ये देखिए लगता है नूरुल्लाह भाई बात उन्हीं से बोल रहे हैं। ये जी ये हिंदुओं की तरह कलश उठाए हुए सर पे रखे हुए, ये इनके इमाम ने इनको कहा है फॉलो करने के लिए। जी डांडिया खेल रही हैं, अभी काफी सारे कमेंट्स जो है ना लोग एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि जब बात कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती हैं अकली दलाइल, एक होती है विजुअल जो है टेस्टमनी विटनेस करना, ये हम लोग आपको विजुअली दिखा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं कि अगर कुरान नहीं समझ आता, हदीस समझ नहीं आती, तो एक चीज होती है हया, इंसानी फितरत, उसके तकाजे। अभी एक आदमी ये कृष्णा बन के बीच में बैठ के गोपियों के बीच मुरली बजा रहा है और इस्माइली औरतें खुश हो रही हैं, इसमें कहाँ है मजहब? इस्माइली मजहब में ये कहाँ, ये इबादत है क्या है ये? खलील अंदानी खुद बोल रहा है कुछ है ये बोल, देखते हैं अभी मैं जरा बाकी कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। रजीन खान, दिस इज अ फैशन शो एंड दीज पीपल आर फॉलोइंग हिज इमाम्स मैरिड मॉडल्स, बिल्कुल सही बात है। रजीन भाई कहते हैं सर पे मटके रखना भी अल्लाह ने सिखाया होगा। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस यही बातें, यही बातें जिसके साथ हमारा खून खोलता है कि जब इनका अबू अली कहता है ना कि ये जो सारे मुसलमान हैं जो नमाज रोजा रखते हैं और अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं ये नॉन सीरियस हैं, और जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं और खुद को सही मुसलमान कहते हैं ना, फिर हमारा हमारा पारा चढ़ता है, फिर हम खलील अंदानी को धोते हैं, फिर हमें खलील अंदानी पे गुस्सा आता है। खलील अंदानी ने लिखा है अटैकिंग समवन्स रिलीजन लाइक दिस इज रॉन्ग, इट इज जाहिल, प्लीज रिपोर्ट दिस चैनल फॉर हेट स्पीच टू यूट्यूब। बस अब खलील अंदानी की बस हो गई है, खलील अंदानी ने अपने वी आर नॉट अटैकिंग एनी रिलीजन, यू अटैक अवर इस्लाम, इस्लाम दीन, बिल्कुल
यू आर द वन हु इज यूजिंग आवर इस्लाम लेबल ऑन योर फेक दीन एंड कॉलिंग इट इस्लाम. यू आर द वन हु इज अटैकिंग आवर सेंटीमेंट्स. सो आई थिंक बिकॉज नहीं अब अगर हाँ बोले खलील अंदानी को बोलो कि मेरे को एड्रेस भेजा दे, मैं चूड़िया भेजाता हूँ, चूड़िया पहन चूड़िया और साड़ी पहन के घर पे बैठ जाए. अबुल अंजार भाई कहते हैं ये खबासत है. बिल्कुल अबुल भाई, खबासत से बढ़कर भी अगर कुछ अल्फाज होते ना, क्योंकि जब इनके मिशनरी कहते हैं कि हम हकीकत और मार्फत की उस लेवल पे पहुंच गए कि जिससे इस मुसलमान नहीं पहुंच सके, तो दिल दुखता है कि यार अगर यही सब कुछ करके मार्फत हासिल होती है, अपनी औरतों को नचवा के जमात खानों में अली के नाम पर नचवा कर अगर मार्फत और हकीकत मिलनी है, तो फिर इस्लाम दीन आया ही क्यों? ये तो सारा कुछ मक्का में पहले ही हो रहा था ना. अबू जहल की बीवी ऐसे ही कपड़े पहन के जो जी भाई तो भी नाचते है, मगर ऐसा मिक्स गैदरिंग नहीं होती है. औरतें अलग नाचती है, मर्द अलग होते हैं. औरत और मर्द कभी भी साथ में नहीं होते, और उनके यहाँ पर है ना एक शर्म लियाज होती है, माने वो इस तरह का नहीं करते हैं. और माने अगर समझो कि एक हिंदू एक औरत अगर समझो कि उसने शादी, जहां तक मुझे पता है शादी हो जाती है ना, तो वो फिर वो दूसरे मर्दों से माने उतना वो नहीं होते ये. मगर यहाँ तो बस ओपन माइंड है ना, माने खुल्लम खुल्ला कर दिया है सब कुछ. अच्छा माशाल्लाह अमजद भाई हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, बड़े दिन के बाद आप आए. माशाल्लाह आपकी लास्ट टाइम कमेंट्स और आपकी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे अख्तलाफ करूंगी. आप कहते हैं कि सेलिब्रेशन करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये जेके नहीं है. तो भाई सेलिब्रेशन भी अगर इस्लाम के हदूद में होती है तो उसमें बिल्कुल कोई खराबी नहीं है. औरत जनाने खाने में जाकर वहां पर अपनी आवाज नीचे रख के कुछ भी गा सकती हैं, जो कि जिसके लिरिक्स जो हैं वो शिरकिया ना हो, वो आपस में सेलिब्रेट कर सकती हैं. लेकिन इस तरह औरतें मर्द के बीच में आके अगर मैं ये म्यूजिक ऑन कर दूं ना, तो आपको पीछे पता चलेगा कि इस पर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का नाम लेके ये औरतें इस तरह हुल्लड़बाजी कर रही है मर्दों के बीच में. मौला अली होते तो क्या अपनी तलवार ना निकाल लेते? आप कहते हैं इसमें कुछ खराबी नहीं है. मौला अली होते तो जरूर जरूर तलवार निकाल लेते कि ये तुम लोग क्या इस्लाम के नाम पे खबासतें फैलाई हुई है. ये देख लीजिए, अली अली बोलिए. अब ये सेलिब्रेशन है? अधेड़ उम्र की औरतें जिसको जिनको इस वक्त अपने पोते पोतियों के लिए अल्लाह रसूल से अल्लाह के नबी से जो है वो सदाएं लगा के अपनी मगफरत की दुआ अल्लाह करनी चाहिए, नबी को जो है उनके वसीले से अल्लाह से तुफैल अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए, यहाँ पे ये बूढ़ी औरतें किस तरह गले में दुपट्टा लेके और नाच गा रही हैं, वो भी अली के नाम पे. यहाँ पे खलील अंदानी क्या कहते हैं? अली अंदानी कहते हैं वी हैवंट सेड एनीथिंग बैड अबाउट योर रिलीजन, यू आर द वन हु इज अटैकिंग अस. हजरत अली की शान में गुस्ताखी करोगे तो ये अटैक नहीं हुआ, ये अली की शान में गुस्ताखी करेंगे और आप कहते हैं कि हम जो हैं वो आप पे अटैक नहीं कर रहे, तो अटैक किस तरह करोगे? हमारे घर में घुस के कटो करोगे अटैक? अटैक का और क्या मतलब होता है? यहाँ पे खालिद अंदानी कहते हैं स्टॉप अब्यूजिंग फीमेल्स एंड लॉकिंग देम इनटू रूम, दिस इज अगेंस्ट इस्लाम. इनके हिसाब से औरतें इसी तरह सारी बाहर निकल आए, ये इस्लाम है.
तो क्या इस्लाम ये है कि अपनी औरतों को नंगा करो रोडों पे? सॉरी बोलिए बोलिए आप बोलिए। सो खलील यू मीन टू से दैट यू वांट टू एक्सपोज योर सिस्टर्स एंड योर मॉम्स इन वेस्टर्न ड्रेसेस इन फ्रंट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? You want them to wear skirt and jeans and t-shirts and roam around naked with boys and dance like this? Did you mean that, Khalil? No, so koi problem nahi hai, Nurullah bhai. Aapne Khalid Andani ki pictures nahi dekhi? Usko koi problem nahi hai. Aap galat aadmi se question kar rahe hain. Uske pure ghar mein uski nangetar sab aise hi kapde pehnti hain. ये तो फिर भी इन औरतों ने फिर भी शलवार कमीज तो पहनी है। खलील के घर की जो औरतें शलवार कमीज भी नहीं पहनती, वो इमाम की ही कॉपी करती हैं। अली शेर कहते हैं तुम कितने पैसे लेती हो ये बता दो। अच्छा जवाब नहीं दे सकते। गफार हुसैन भाई कहते हैं ठीक। असलम भाई आप ये वीडियो जो लगा रहे ना, आप ये जो वीडियो लगा रहे ना, ये वीडियो आप आई थिंक इंडिया की लगा रहे, आप लगाओ इसको इंग्लैंड की या अमेरिका की लगाओ, तो इसमें फिर नंगे दिखेंगे सारे, इसमें इनको पता चल जाएगा। ये मैंने सारे लगाए ताकि इन लोगों को ये हो कि हमने किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं किया, एक कंट्री के इस्माइलियों को टारगेट नहीं किया। ये देखिए इंडिया के भी हैं यहाँ पे, ये अफगानिस्तान, ये अभी ताजिकिस्तान के हैं, ये ताजिकिस्तान की है। हर जमात खाने से ये वीडियो ली गई है और यहाँ पे आपको चाइना के भी स्माइली मिलेंगे, आपको काजिकिस्तान के पैंट शर्ट्स वाले भी मिलेंगे, वो सर पे दुपट्टा लिया हुआ है वो भी मिलेंगे, मतलब मिक्स ही है सब कुछ। उसके बाद ये देखें, ये इनका जमात खाना है थॉर्नक्लिफ का, स्कारब्रो का, और यहाँ पे भी बहुत खराफात हो रही हैं, आप जरा देखिएगा जरा। हर तरह की जमात खाने की वीडियो लेकर आए, क्योंकि ये नहीं कहें कि भाई आप लोग एक खास जगह की वीडियो लेकर आते हैं और आप लोग वहीं के स्माइली दिखा रहे हैं, उनका कल्चर ऐसा होता है, तो हमने हर जगह का दिखाया है। अभी मैं आपको पाकिस्तान का भी दिखा देती हूँ। ये डांडिया खेला जा रहा है थॉर्नक्लिफ स्कारब्रो में। वजीर अली भाई क्या कहते हैं, आई हैव एन ऑडियो फाइल ऑफ स्पीच ऑफ चित्राली मिशनरी इन विच एट द एंड ऑफ द स्पीच मिशनरी सेज दैट नाउ टाइम हैज कम टू से दैट हाजर इमाम इज अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह Qadr-e Mutalliq and Allahu Akbar. He further says that there is no God except Hazir Imam Shah Karim al-Husseini Astaghfirullah. आपके पास अगर वो ऑडियो है तो जरूर दीजिएगा, बिल्कुल इस तरह की ऑडियोज हमें चाहिए, क्योंकि अभी तो हम अबू अली और बाबुल मिशनरी के ही ऑडियोज को लेके आते हैं। खलील अंदानी कहते हैं ऑल फीमेल्स आर ड्रेस्ड, नन आर नेकेड, वी डू नॉट हाइड अवर फीमेल्स एंड दे आरंट अब्यूज लाइक यू अब्यूज योर फीमेल्स। इनायत पास कहते हैं ऑल ऑफ यू डूइंग इन दिस शो टोटली नेकेड फ्रॉम डाउन टू द टॉप, आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। खलील अंदानी अगर आपके हिसाब से औरत को अब्यूज करना यह है कि उसको अपने घर में इज्जत से रखना, मर्दों के से छुपा के रखना, अगर ये अब्यूज है तो फिर हजरत अली ने भी यही किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया। इसके बाद आपके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ भी पर्दा करती थी, तो क्या वो अब्यूज होती थी अपनी फैमिली में? पिक्चर दिखा देती हूँ सुल्तान मोहम्मद शाह की वालदा की, जो हेड टू टो कवर रहती थी, सर पे स्कार्फ पहनती थी, तो क्या सुल्तान मोहम्मद शाह के वालिद साहब जो कि खुद एक इमाम थे वो अपनी बीबी को अब्यूज करते थे तभी वो पर्दे में थी? स्क्रीन पे दिखा देते हैं आपको, स्क्रीन पे सबर कीजिए। कहा था ना खलील अंदानी बहुत बुरी तरह पिटने आ जाते हो। अच्छा खलील तुम्हें खास आजकल जॉबलेस है, अभी वो यहाँ पे आ जाता है, देख लेते हैं। खलील अंदानी अच्छा किसी जमाने में सुल्तान जो हाजिर इमाम का दीदार होता है ना, जब इनका हाजिर इमाम का दीदार होता है ना, उसके बाद में जब हाजिर इमाम चले जाते हैं तो उसके बाद में ये लोग शुरू करते हैं, ये सेलिब्रेशन होते हैं। ये हुए थे मुझे याद है मुंबई में, हैदराबाद में, हर जगह पर हुए थे, और लोग ने बाजाबता पड़े जोर शोरों में सेलिब्रेशन किया था।
Hijab time is over. That is a tradition that has been abrogated. Who abrogated? Did you receive any wahi from Allah subhanahu wa ta'ala? Did your imam receive any wahi? Khud se abrogated. Khud se bana liya, haan? इस तरह तो फिर तुमने हर चीज ही छोड़ दी, तो फिर इस्लाम लेबल क्यों लगाते हो? फिर तुम कहो ना कि मैं नई शरीयत के साथ, नए मजहब में, नए इमाम, नए नबी के साथ आया हूँ। लेबल पाक इस्लाम का लगाना है, काम सारे यहूद और नसारा वाले करने हैं। वैसे तो नहीं चलेगा ना खालिद अंदानी, अपने आप को इस्माइली बोलो, बात ही खत्म हो जाएगी। लो जी हमें ज्वाइन कीजिए स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे, आपको हम आप कमेंट्स में ज्वाइन अस ऑन द लिंक, ठीक है? ये मैं आपको लिंक दे रही हूँ, जिसको जिसको हमें ज्वाइन करना है अभी आके बात कर सकते हैं। याकूब, याकूबी भाई आपका कमेंट शो नहीं हो रहा लेकिन आप कुछ लिख रहे हैं। लगता है ये जो अंकल है ना जिनके सर पे बाल आगा खान की तरह है, ये अपनी पूरी फैमिली, बेटी है, बीवी है, इवन माँ भी नजर आ रही है मुझे, सारे ही इकट्ठे हैं, एक साथ ही नाच रहे हैं। अच्छा बहुत मुश्किल होता है ये सारी रौनक मेले, ये तमाम चीजें छोड़ना और फिर इस्लाम मजहब में वो रिस्ट्रिक्शंस में आके रहना, ये मोमिन की निशानियां होती हैं। बड़ी टफ होता है हर दुनिया को तर्क कर देना और उस चीज पर आ जाना जिस पर अल्लाह का हुक्म है। खलील अंदानी इसलिए तड़प रहा होता है। खलील कहता है कयामत हैज अराइव्ड एंड व्हेन कयामत अराइव्ड शरिया इज ओवर, प्लीज रीड माय आर्टिकल कयामत अल कायम इन मालिगनस। कयामत आ चुकी है तो फिर किधर है, कौन कौन मतलब तोल कौन रहा है, किधर है इमाम मेहदी, कौन है खलील अंदानी? अच्छा मैं खलील अंदानी से ही इंटरव्यू लेती हूँ। खलील अंदानी, हजरत ईसा ने आना था कयामत के करीब, इसके बाद हजरत मेहदी ने भी आना था, दज्जाल ने भी आना था, तो जब कयामत आ गई तो ये बाकी सब चीजें कब आने वाली, जरा ये भी बता दो। तुमने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है कयामत अल कायम पर, तो दज्जाल भी बता दो, फिर मेहदी भी बता दो, फिर ईसा भी बता दो। एनोनिमस कोई है, उनका माइक कनेक्टेड नहीं है इसलिए उनको हम कॉल पे नहीं ऐड कर पा रहे, देख लेते हैं। अच्छा असलम भाई कहते हैं इस्माइलिज्म आर अगेंस्ट हिजाब देन इस्माइली शुड स्टार्ट ईटिंग पोर्क, वैलिड रीजन, बहुत सही बात की असलम भाई ने। असलम भाई क्या, जब सब चीजें खत्म हो गई हैं, शरीयत खत्म हो गई, कयामत आ गई, तो फिर क्या नेकी बदी हिसाब किताब, फिर तो हर चीज खत्म हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमद भाई खलील कहते हैं कयामत आ चुकी है, शरीयत खत्म हो गई है, मेरा आर्टिकल पढ़ो कयामतुल कायम के मुतालिक, सब कुछ खत्म हो गया है, कयामत आ चुकी है, बस सब हिसाब किताब हो रहे हैं। मैंने पूछा है हज़रत ईसा किधर है, दज्जाल किधर है, मेहदी कौन है, अब कयामत पे आर्टिकल लिख लिया तो इनके नाम भी बता दो कि आजकल के दौर में कौन है दज्जाल, कौन है हज़रत ईसा और कौन है मेहदी अलैहिस्सलाम, बात कर लेते हैं। जी यही होता है कि जब दलील से और जो कुरान और सुन्नत की जो तालीम है उससे बात नहीं करे बंदा, ख्याली पलाव से बात करे तो फिर यही होता है कि कयामत आ चुकी है। तो जब कयामत आ चुकी है तो फिर ये जमात खाने क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये कयामत के बाद तो फिर जब एक बार कयामत आ चुकी हो तो फिर इबादत नहीं है, फिर क्या फायदा जमात खाने जाने का? तौबा के दरवाजे बंद है, तौबा के दरवाजे बंद हो गए, छांटा क्यों लगाते हैं, छांटा क्यों लगाते हैं जब कयामत आ चुकी है? तो कयामत आ चुकी है और अगर कयामत आ चुकी है और इनका इमाम स्टिल आ रहे हैं तो ये क्या दलील हुई के कंटिन्यूस हजरत ईसा आते जा रहे हैं इनके हिसाब से? अच्छा तभी ये क्रिश्चियनिटी के पीछे पड़ा आजकल। खलील अंदानी सही कहा बहन, हजरत अली होते तो तलवार निकालते, तलवार क्या निकालते, तलवार से इनकी गर्दन उड़ा देते हैं, क्योंकि फितना एक कॉल है हजरत अली का कि फितना जहां देखो उसको खत्म कर दो। अगर ये चीज राइज रहती ना तो
तो फितने नहीं उभरते, लेकिन हमने फितनों को छोड़ना शुरू कर दिया। कौन बोले चलो उनको करने दो, चलो उनको वो अपना करें हम अपना करें, आज इसी वजह से फितने बढ़ गए। वरना एक फितना रेज हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के वक्त पे कि उन्होंने कहा था कि हम ज़कात अब नहीं देंगे, तो हज़रत अबू बकर तलवार लेके निकल गए थे, क्योंकि दीन बचाना बेहतर था, दीन बचाना उस वक्त अफजल था। नबी ने जिसके लिए अपने इतने साल लगा लिए उस दीन के लिए, तो उनके जनाजे को इंतजार करवा के फितना खत्म करने गए पहले हज़रत अबू बकर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्लोरिज्म है, सहने दो, सब मिलजुल के रहते हैं, तो रहो मिलजुल के। फिर बुक तो आज ये सारे जो नाच गाने वाले हैं ये कहते हैं कि हम लोग सही मुसलमान हैं। रजीन भाई क्या कहते हैं, रजीन भाई कह रहे हैं, खलील अंदानी योर वेबसाइट इज अ प्लेस वेयर यू हैव मेड अनवांटेड एंड फॉल्स लिंक्स ऑफ इस्लाम विद अदर रिलीजन्स। सही बात है खलील अंदानी, कहते हैं रीड माई आर्टिकल कयामत अल कायम इन इस्माइली ग्नोसिस एंड यू विल अंडरस्टैंड। अरे बाबा वो तो जब पढ़ेंगे दो घंटे का ढाई घंटे का आर्टिकल वो कुछ समझ आएगा, तो वो तुम पता नहीं क्या बॉक्सेस बना के उसके एक कोने में इमाम लिख देते हो, एक कोने में मोहम्मद लिख देते हो, वो बॉक्सेस नहीं समझ आते। आके बता दो हजरत ईसा कौन है, आज अगर कयामत आ गई है तो तुम्हारे इमाम हजरत ईसा है, लिखो ताकि मैं सेव करूँ। अच्छा रीड माय आर्टिकल हो गया। अमजद चापसी क्या कहते हैं, यू पीपल जस्ट रिपीटिंग द सेम एंड सेम मैटर अगेन एंड अगेन। जी बिल्कुल अमजद भाई, हम बार बार कहते रहेंगे, बल्कि शायद आखिर में टॉपिक्स खत्म हो जाएं, लेकिन फिर भी हम फिर दोबारा से वही टॉपिक रिपीट करेंगे, क्योंकि जिनकी जिन तक बात नहीं पहुंची है उन तक बात पहुंचे। शायद आज किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम देखे, तो हम रिपीट करेंगे, हम शो करेंगे, ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि 1400 साल से एक ही इस्लाम का पैगाम रिपीट होता रहता है होता रहता है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम इस्लाम का पैगाम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वही असल में हक है, उसी को रिपीट करना है। तो अगर इस्माइलिज्म को एक्सपोज करना है, इस्लाम का पैगाम देना है, तो हमें ये बातें बार बार रिपीट करनी होगी, जब तक इस रुए जमीन पर हर एक इस्माइली तक हमारी बात ना पहुंच जाए। बेशक बिल्कुल, और ये बातिनी मजहब नहीं है, एक मैं है ना एक कुरान की आयत सुनाना चाह रहा हूँ, जरा सा होल्ड करिए, तो ये अरबी खत्म हो रहा है फिर उर्दू में होगी ये, तो जरा सा एक दफा सुन लीजिए, तो जरा थोड़ी सी इनको पता चलेगी। सूरह नूर की आयत 31 है, सुन लीजिए जरा। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो और अपने सीनों पर ओढ़निया ओढ़े रहा करें और अपने खामिद और बाप और खुसर और बेटों और खामिद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही पसंद की औरतों और लौंडे गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो, दरअसल उन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झनकार दानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें जरा एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये कॉपी राइटेड होता है, एकदम से वीडियो जो है ना वो हो जाती है, बैन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एनोनिमस कहते हैं, मुझे लगता है आगा खान सेकंड सब अच्छा था, उसके बाद सब आगा खान थर्ड के बाद चीजें बदल गई। देख सकते हैं इस बारे में, आगा खान सेकंड कौन था, देख सकते हैं। शाली शाह था ना। अच्छा यहाँ पे कौन है, ये प्रोग्राम के लिए कयामत से कुछ कम नहीं, बिल्कुल अगर कोई समझे तो ये कयामत से कम नहीं। अभी अभी तो न्यूज रील चल रही है, फिल्म तो बाकी है।
मूवी तो बाकी है बोला। अच्छा, ये एनोनिमस का माइक कनेक्टेड नहीं है इसलिए इनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये मौला जब मुंबई आते अफ्रीका आते तो काउंट जिंदानी के घर पर ठहरते, काउंट जिंदानी और इनकी बीवी काउंटेस फातिमा बाई बहुत दीनदार थे, बहुत दीनदार थे। 15 फरवरी 1976 में बेगम सलीमा के साथ जब मौला मुंबई आए काउंट के घर पे कयाम किया तो काउंटेस फातिमा बाई ने मौला के पास एक अर्ज की। अब हुआ ऐसा कि कुछ इसको मजहबी सवाल करने थे तो घर बंद था, कांच का दरवाजा था, जमीन पर ये बैठी थी, मौला कुर्सी पर बैठे थे और तकरीबन 40-45 मिनट तक मौला के साथ इसने बातें की। बाहर निकली तो उसने सिर्फ एक बात कही कि मैंने मौला से ये सवाल किया कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान एक डिस्प्यूट है, नाराजगी है, हमेशा हम कहते हैं कि सबसे पहले मौला इस दुनिया में मुझे उठाए, वो कहता है कि नहीं मुझे उठाए, पहले मैं मरूं, वो बोले नहीं पहले मैं मरूं। अब ये फैसला नहीं हो रहा, आज आप हमारे घर पे आए हो, अब हम आपके ऊपर डाल देते हैं ये बात, अब आप फैसला करो कि पहले कौन मरे। चूंकि मौला उस वक्त अपने जलाल में थे, जलाल में थे, मौला ने अगर उस वक्त मौला अपने जमाली हालत में होते तो कह देते कि जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं, वो तो उसके हाथ में है, लेकिन इस वक्त जो उनके साथ जो गड़ी थी वो जलाली हालत में थे। मौला ने फरमाया ओके आई गिव यू 5 मिनट्स, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, गो आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर जाओ एंड डिस्कस विद योर हस्बैंड, इससे पहले मरना, लेट मी नो आफ्टर 5 मिनट्स। बाहर निकली और अपने हस्बैंड के साथ जिंदानी गुलाम हुसैन जिंदानी के साथ 3-4 मिनट बातें की, एक कंक्लूजन पर आए, अंदर आई, मौला ने पूछा क्या फैसला किया, इसने पहले मरना है। मौला मैं हार गई, मेरा हस्बैंड जीत गया, इसको पहले मारो, पहले वो मरे फिर मैं। मौला ने हाथ उठाया ओके ग्रांटेड, ग्रांटेड मर जाओ सारे, जिंदगी और मौत कौन दे सकता है, यहाँ कहता है कि मैंने ग्रांट किया, बख्शा, दे दिया। नोट कीजिए कि खुद मिशनरी खुद बोल रहा है कि जिंदगी मौत किसके हाथ में, मतलब सवाल आपसे कर रहा है, लेकिन फिर आगे में कंक्लूजन क्या निकाल रहा है कि इमाम ने ग्रांटेड कर दिया, यानी कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है लेकिन इमाम ने ग्रांटेड कर दिया, यानी इमाम क्या हुआ, ये इस तरह की बातें आपके दिमाग में डालते हैं और फिर बोलते कि हम गलत है। हाँ, कहता है पर इस्माइली थियोलॉजी, एज पर इस्माइली थियोलॉजी ईसा हैड द सेम नूर ऑफ इमाम अली, देयर इज अ सेइंग दैट इमाम अली सेज ही इज ईसा। कहाँ से उठा लाते, कहाँ से आते हैं ये लोग। खलील इफ यू कम अप एंड टॉक टू अस ऑन दिस लाइव स्ट्रीम यार्ड दैट विल बी ग्रेट, डोंट यू नो राइट कमेंट्स एंड यू नो ट्राई टू डिफेंड योर इमाम, कम एंड डिफेंड योर इमाम थ्रू कॉल, नो नहीं, लेकिन हजरत अली ने कहा है मैं वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको इसके पैसे नहीं मिले, खाली मैसेज के पैसे मिले हैं, वो अपने आर्टिकल्स बोल रहा है। यहाँ से हम कहते हैं रीड द आर्टिकल्स ऑफ नूर इन अकबर खोजा वेबसाइट, जहाँ पे तुम्हारे
तुम्हारे आर्टिकल्स का सही पोस्टमार्टम किया जाता है, वहां चले जाओ। खलील अंदानी कहते हैं, आई एम द क्राइस्ट हु हील्स द ब्लाइंड एंड द लेपर्स, हु क्रिएट्स द बर्ड एंड डिस्पर्स द स्टॉर्म क्लाउड्स, आई एम ही एंड ही इज अना हुआ वा हुआ अना, यानी कि मैं अली ईसा हूँ, मैं ही अंधों को रोशनी देता हूँ, कोड़ियों को शफा देता हूँ, परिंदों को जो है वो पैदा करता हूँ, उनको हवा में उड़ाता हूँ, मैं वही हूँ। यानी कि तुम्हारे हिसाब से खलील अंदानी हजरत अली तो खुदा हुए ना, तुम नुसैरी हुए, तुम इस्माइली थोड़ी हुए, तुम तो नुसैरी शिया हुए। शिया भी नहीं है, इस्माइली भी नहीं है, बातिल मजहब है, बातिल। उज़ैर अजीज सिरांग कहते हैं, नबी के मुबारक जनाजे में कौन कौन शामिल हुए थे ये भी तो बता देना, आगा खान तो शामिल नहीं हुआ था, ये तो बात कन्फर्म है। अच्छा, इसके बाद जो है असलम भाई कहते हैं, रजीन खान ही इज कंपेयरिंग विद ईसा अलैहिस्सलाम विद इमाम। आप ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, वो अपने इमाम को अल्लाह से मिला रहा है भाई, आपने अभी सुना नहीं, जिंदगी और मौत आगा खान के हाथ में, सवाल करता है जिंदगी मौत कौन देता है, सवाल खुद किया पर आगे से कहा कि मेरा इमाम ने ग्रांटेड बोल दिया, तो वो तो आप ईसा की बात कर, ईसा अलैहिस्सलाम की, वो अल्लाह से मिलाता है अपने इमाम को। क्या ब्रेन वॉश करते हैं ये मिशनरी लोग, बाप रे बाप। नहीं तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, हाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो वाइफ एंड हस्बैंड को पूछता है इमाम कि किसको मरना है और मैं ग्रैंड करता हूँ, तो ये यास्मीन का, ये जो यास्मीन का बेटा था एंड्री अली आगा खान, इसको क्यों नहीं बचा लिया, इसने तो सुसाइड कर लिया था, तो इसको क्यों नहीं बचा लिया। और सुल्तान मोहम्मद शाह जब हयात थे, जब नहीं सुल्तान नहीं हाजरी इमाम जब इमाम बन गए तो उनके फादर एक्सीडेंट में गुजर गए, तो उनको क्यों नहीं बचा लिया। अरे खुद की टांग नहीं बचा सका वो, खुद की टांग हॉस्पिटल में एडमिट, घोड़ा नहीं बचा सका, अपनी बीविया नहीं, वो सर के बाल निकल रहे हैं, उसको उगा नहीं सक रहा, क्या बचाएगा, दांत दांत। इमाम अली भाई कहते दांत दांत भी कितने दिन से घसा नहीं, पता नहीं और एक में दांत है, तो दूसरे दांत डलवाए ना वो बिल्कुल ही सारे डिफरेंट। इस्माइली के दांत में दर्द होता है तो जमात खाने में दुआ करता है, या हजरत इमाम मेरा दांत का दर्द दूर कर दे, अरे भाई उसके खुद दांत डुप्लीकेट। नहीं वो डॉक्टर का एड्रेस दे रिंग है, वो बोलते ये फलाने डॉक्टर के पास जाओ वो लगा देगा। असलम भाई कहते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन टू होम इमाम इज प्रेइंग एंड व्हाट रिलीजन हिज फैमिली मेंबर्स आर फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन जवाब नहीं मिलने वाला असलम भाई, कुछ भी कर लो, बहुत दफा ही सवाल किया है, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे इमाम को इबादत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अल्लाह का नूर है, तो अल्लाह खुद अपनी इबादत नहीं कर सकता, ये तक जवाब आए हैं हमारे पास, ये तक जवाब है। आगा खान मनी हंगरी मैन सेलिंग पोर्क शराब, शेम ऑन यू योर गॉड खलील, खलील के खुदा पर शेम। अच्छा हिराल को जा, बड़े सही खलील अंदानी की जो है ना वो बैंड बजाते हैं, खलील अंदानी उनका उनके कमेंट्स के नीचे कमेंट्स ही नहीं करता। असलम भाई यूट्यूब खलील अंदानी क्या कहते हैं, असलम आई हैव टॉक्ड टू मैनी मुस्लिम स्कॉलर्स नॉट जाहिल लाइक दिस। वो मुझे पता है वो जिसको तुम मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हो। ओके खलील, ओके कम इफ यू हैव नॉलेज ऑफ कुरान एंड हदीस ना, कम ऑन द लाइव स्ट्रीम, लेट्स सी हाउ मच नॉलेज यू हैव। देखें ये जो हजरत ईसा के बारे में कह रहे हैं ना, कि तो उन्होंने जो भी किया अल्लाह के इज़्ज़त से किया पहली बार, और अल्लाह ताला ने जो रसूलों का बताया है ना कुरान में, कहा है कि हमने रसूल को इसके लिए भेजा ताकि वो यौम तलाक के बारे में बता सके, कयामत की जो मीटिंग होनी है हमारी अल्लाह से, देखिए हमारी अल्लाह से मुलाकात होनी है, तो वो कहते हैं ना कि ये लोग हमसे मुलाकात
को नहीं मिलना चाहते तो हमको भी इनसे नहीं मिलना, अल्लाह कहता है। तो असल में रसूलों को भेजा कि वो हमको कयामत के बारे में बता सके कि अल्लाह से मुलाकात करनी है, मर के उठना है। रसूलों को या इमामों को इसके लिए नहीं भेजा कि उनसे दुआएं की जाए, उनको इसके लिए भेजा कि उनको कुरान पे अमल कराएं, अमल करवाएं। और हजरत ईसा ने भी यही कहा कि अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह तुम्हारा रब है, तो उसकी इबादत करो जो कुरान में लिखा है, कि यही सीधा रास्ता है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम उसकी इबादत करो। हजरत ईसा ने भी अल्लाह से दुआ करी, जो सूरह मायदा है, सूरह मायदा में अल्लाह ताला जो है कयामत का एक किस्सा बता रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम हजरत ईसा को कहेंगे कि मैंने तेरी इस तरह से मदद करी, तुझे बचपन में मैंने जो है ज़बान दी और फिर तेरी मैंने तेरे पे मैंने खुआ उतारा, जो टेबल जो सूरह मायदा है टेबल स्प्रेड, तेरे पे हमने खाने का एक टेबल उतारा, तो अल्लाह सारे अपने एहसान गिनवा रहा हजरत ईसा को। फिर अल्लाह ताला कहते हैं क्या तूने इनसे कहा था कि तेरी और तेरी माँ की इबादत करें, तो हजरत ईसा कहते हैं कि नहीं अल्लाह, मैंने कभी इनसे नहीं कहा, तू जानता है मेरे दिल में क्या है, मैं नहीं जानता तेरे दिल में क्या है, मैंने कभी इनसे नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, ये तो मेरे बाद इन्होंने किया और ये तेरे बंदे हैं, चाहे इनको बख्श दे चाहे तू इनको सजा दे, लेकिन ये है कि मैं जो है तेरा बंदा हूँ और अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह तुम्हारा रब है, इसी की इबादत तुम करो। और जिस तरह से कल भी हमने खलील भाई को सूरह यासीन की मीनिंग समझाने की कोशिश की है कि जो यासीन वल कुरान हकीम, ये कुरान हकीम की वजह से रसूल सल्लम हिदायत पे और सीधे रास्ते पर है, अल्लाह सिरात मुस्तकीम, ये कुरान की वजह से, कुरान हकीम की वजह से। और अल्लाह कहता है कि जो ताबीदारी करे जिक्र की और बिन देखे अल्लाह से डरे, यानी अल्लाह नज़र नहीं आता लेकिन जो नज़र आ रहा है वो जिक्र है, कुरान हमको नज़र आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, और अल्लाह पे ईमान लो बिन देखे, सही है ना। तो कुरान हकीम को मानो और फिर अल्लाह कयामत का जिक्र करता है कि हम ज़रूर मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, जो भी कब्र में जाएगा उसको उठ रहा है और उसके आमाल हम लिख रहे हैं, यहाँ तक जो हमारी अभी डिस्कशन हो रही है ना स्टीमी क्लाउड पे, ये भी इमाम मुबीन में दर्ज हो रही है, सही, हर हमारे आमाल लिखे जा रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जिससे साफ पता चलता है कि कुरान, रिसालत और उसके बाद कयामत, और हर चीज़ नोट हो रही है। तो इतनी सी बात अगर समझनी है तो मेरे ख्याल से खलील भाई को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए सही तरह से, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि कुरान में अल्लाह का व्यू पॉइंट क्या है और रसूल का व्यू पॉइंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे जहालत की इंतहा देखिए, किताब अल कशफ जो है उसका हवाला दे रहा है खलील अंदानी, जो कि इनके ही मिशनरी रह चुके हैं, इस्माइली फातमी प्रीचर दाई है, 1960 एडी में जो है सीए में इनको कंसिडर किया गया अर्ली प्रीचर के तौर पर। तो अगर ये दलील ला भी रहा है तो अपने ही इस्माइलियों की दलील लेके आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि हजरत ईसा जो है वो अली है और उनके हाथ में सब कुछ है। तो खलील अंदानी, कुरान और हदीस खत्म हो गए तुम्हारे पास कि तुम अपने इस्माइली दाइयों की जो है वो दलीलें उठा के ले आ रहे हो? सही प्रूफ करो ना, कहाँ लिखा है अल्लाह ने कि मैंने अली को ये सारी चीजें दी हैं, कहाँ है? तुम अपने उठा के ले आओगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। खलील भाई कह रहे हैं कि कुरान गढ़ा गया है, ये कह रहे हैं हजरत उस्मान ने गढ़ा है कुरान, जैसे पहले के लोग कहते थे रसूल ने गढ़ा है, ये कहते थे उस्मान ने कुरान गढ़ा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम एक्स माइली जब कुरान पढ़ते हैं तो हमारी हिदायत की प्यास बुझ जाती है, हमको ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, हम कहते हैं बड़ा बेहतरीन कलाम है, बड़ा ज़बरदस्त में सीक्वेंस है, बड़ा ज़बरदस्त हारमोनी है इसमें, बड़ा अच्छा रिदम है और मीनिंग भी इसके मिलते सब एक सीक्वेंस में मिल रहे हैं, हम कहते हैं बड़ा बेहतरीन कलाम है। लेकिन जब खलील से पूछा जाता है रब ने क्या नासिल किया, ये कहते हैं किताब तो जो है वो लिखनी जानी चाहिए थी, ये किताब तो पुराने टाइम की है। तो मतलब आप देखें ना कि ये कलाम के साथ क्या इनका है और हमारा क्या है, हम कहते हैं बेहतरीन कलाम है, हमारी हिदायत की प्यास बुझ रही है, जो बात जो चीज हमको आ खान साहब नहीं सिखा सके उसकी 10,000 गुना ज्यादा हमको कुरान से हिदायत मिली है। अरे फराज भाई, इनके सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है कि 1300 साल हो गए हैं इनके इमाम का फरमान है कि भाई कुरान मजीद को 1300 साल हो गए हैं, आपके लिए कुरान नहीं है गिनान है, गिनान को पढ़ो। अब क्या बोलना है अभी इनके बारे में? देखे देखे जैसे एक पेंटिंग गिनान को भी क्यों मानते हैं, गिनान को भी 500 साल हो गए ना। देखे एक पेंटिंग से हमको पता चलता है कि पेंटर कितना जबरदस्त होगा, है ना। तो इस कुरान को पढ़ के हमको पता चलता है कि इसका इसकी जिसकी स्पीच है कलाम अल्लाह है, तो जिसने इसको कलाम किया है वो कितना जबरदस्त होगा जब इसका कलाम इतना जबरदस्त है।
तो हम तो ये कुरान को देख के अल्लाह को पहचान रहे हैं कि अल्लाह, यही सूरह यासीन में कह रहा है ना कि अल्लाह को बिन देखे मानो और ये जो जिक्र है इसकी ताबेदारी करो। अल्लाह की स्पीच हमको दिख रही है, जिक्र हमको दिख रहा है, इसकी ताबेदारी करो। अब ये नहीं मेरे भाई, मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है, मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि मैंने कुरान आप लोगों के समझने के लिए नाजिल की आसान भाषा में, और सुल्तान मोहम्मद शाह बोलता है कि कुरान को समझना तुम्हारे हाथ में नहीं है, इतना आसान नहीं है, कुरान को तुम समझ नहीं पाओगे। माने देखो आप ये देखो कितना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सुल्तान मोहम्मद शाह कि कुरान को तुम नहीं समझ सकोगे, और अल्लाह कहता है जिसकी किताब है अल्लाह की किताब है, अल्लाह कहता है कि मैंने कुरान आसान भाषा में नाजिल की, और यहाँ ये कहते हैं कि नहीं समझ पाएंगे। ये जो सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, ये उनके वक्त में उन्होंने फरमान किया सुल्तान मोहम्मद शाह ने कि भाई तुम्हारे लिए गिनाने अभी कुरान नहीं है। अभी शाह करीम अल हुसैनी आते हैं और फरमान करते हैं कि वेयर डू यू फाइंड ऑल द आंसर्स विच इज द कुरान। अभी वो बोलते हैं कुरान को समझो पढ़ो, अभी इनके फरमान आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो किसका मानना किसका सुनना। नूरुल्लाह भाई जबरदस्त, बहुत अच्छी बात बोली माशाल्लाह, सही सही हो गए। दो दो फरमान टकरा रहे हैं, ये इमाम का सुने कि वो इमाम का सुने कि ये इमाम का सुने, भाई वो सही है कि ये सही है, किसका सुनना है। जबरदस्त भाई वो कुरान, मैंने कहा अगर तुम ये तुम कहते हो इससे कोई बेहतर किताब ले आओ, चलो अल्लाह चैलेंज कर रहे हैं कि इस कुरान से बेहतर कोई किताब ले आओ, अगर अपने दावे में सच्चे हो तो इससे बेहतर तो कोई किताब है ही नहीं। जो जो पढ़ जो इस कुरान को पढ़ता है ना, जो समझता है, वो जानता है कि ये कितनी जो है वो ऊँचे दर्जे की चीज़ है। जैसे वो एक एक सूरत में लिखा है ना कि मैं ब्लैक होल की कसम खाता हूँ जहाँ तारे डूबते हैं, मैं उस चीज़ की कसम खाता हूँ जहाँ तारे डूबते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त कलाम है, तो उस जगह की कसम खाता हूँ जहाँ तारे डूबते हैं। तो इस कुरान की तो गवाही खुद कुरान दे रहा है, लेकिन खलील अंदानी साहब कह रहे हैं कि नहीं इसको दिखाया नहीं जाना चाहिए था, और ये तो पुराने जमाने की किताब है और इसका तो वो नहीं है, तो ओरल ट्रांसलेशन में होनी चाहिए। असल में ये जो कुरान पे उंगली इनको उठानी है, क्योंकि इनको अपने इमाम को जो है वो प्रोमिनेंट करना है। जब कुरान को डाउटफुल बना देंगे तो इनका इमाम प्रोमिनेंट हो जाएगा। कमर भाई खलील कहता है शब्बीर अली के साथ जब मेरी डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि मैंने कुछ नया सीखा। अब नया सीखा का मतलब ये थोड़ी था कि मैंने कुछ सही सही और अच्छा सीखा, नया मतलब ये कि उसके दिमाग के पड़कचे उड़ गए होंगे कि ये भी लोग मौजूद हैं जो ईसा को अली कहते हैं और अली को आगा खान कहते हैं, उसने समथिंग न्यू का मतलब यही तो लिया होगा। शब्बीर हुसैन को तो पता भी नहीं था बेचारे शब्बीर अली को कि इस्माइली कोई इस तरह का अकीदा रखते हैं। वो तो तुमने जाके खोल दिया खलील अंदानी उसके सामने बात, तो उसने कह दिया कि आई हैव लर्न समथिंग न्यू। तो वो न्यू का मतलब ये नहीं कि वो तुमने कहीं कुछ सही उनको चीज बताई है, हर चीज अपनी सही है, सही है, वही बात है। अल्लाह तो कहते हैं कि मैं ईसा और इसकी माँ को अगर मैं तबाह कर दूं तो कौन मुझे रोक सकता है। बिल्कुल सही बात, तो कुरान में कह रहे ना मुझे कौन रोक सकता है, मतलब जो किया इन्होंने अल्लाह के इज़्ज़त से किया। और इन्होंने जब कयामत का, तो अभी कयामत आई नहीं है ना, कयामत के अंदर अल्लाह ईसा हज़रत ईसा अल्लाह से कह रहे हैं कि आप जानते हो मेरे दिल में क्या है, मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, मैंने कभी इनको नहीं कहा, मैंने इनको सिर्फ ये कहा अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो। रसूल एक और जगह लिखा है, रसूल कभी तुमसे ये नहीं कहेगा कि मेरे बंदे बन जाओ, वो हमेशा तुम्हें रब्बानी बनाएगा, अल्लाह का बंदा बनाएगा। क्या तुम वो तुमको ये बोलेगा कि फरिश्तों को और रसूलों को अपना रब बना लो, ये कुरान में लिखा है ना, क्या वो ये कहेगा कि फरिश्तों को और रसूलों को अपना रब बना लो, नहीं, वो तो बोलेगा तुम सच्चे रब्बानी बन जाओ, रब के बंदे बन जाओ इस किताब को पढ़ते हुए। वो भी सूरत का मैं कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ कि जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईसा ने भी और मूसा ने भी अपनी कौम से कहा कि अल्लाह को पुकारो, यानी कि खुद मौजूद हैं और अल्लाह बता रहे हैं कि मूसा और ईसा दोनों ने अपनी कौम से ये कहा कि अल्लाह को पुकारो, ये नहीं कहा कि मैं मौजूद हूँ मेरे थ्रू अल्लाह को पुकारो। अल्लाह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे जो बंदे आए उन्होंने भी तो यही कहा कि अल्लाह को पुकारो। अब खलील अंदानी उठ के कह देता है कि नहीं मेरे मेरे इमाम के थ्रू अल्लाह को पुकारो, तो तुम्हारी टीचिंग मिलती नहीं कुरान से। अमजद भाई का जरा एक सजेशन है, जरा इस पर जवाब भी चाहिए और बताइएगा कैसा सजेशन है। कहते हैं अपना मोटिव चेंज कर दें, इस्माइलियों को काफिर कहने के बजाय उनको अच्छा मुसलमान बनाएं। जी इसका जवाब चाहिए अमजद साहब। पहले इस्माइली तो मुसलमान है ही नहीं, ये अब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपके सारे जो अरकान हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है।
और आप जो अरकान ने जो प्रिंसिपल्स है उसका इनकार करते हो, तो बजाय हमको, हम काफिर तो नहीं कह रहे, लेकिन खुद अल्लाह फरमा रहा है कि अरकान जो डिक्लाइन करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो काफिर ही कहलाता है। तो आपने खुद ही अपने क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन में आंसर दे दिया है उसका, तो मेहरबानी करके जो है मुस्लिम ना कहे, इस्माइली कहे या फिर आगा खानी कहे। अमजद भाई, आपको ये नहीं लगता कि क्यों कुरान के अंदर अल्लाह, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि वजू, नमाज पढ़ने से पहले वजू करो, फिर नमाज पढ़ो, हज करो, और स्माइलीज कुछ नहीं करते? आपको नहीं लगता कि ये माने माने स्माइलीज गलत कर रहे? क्या आपके दिल में कभी ये बात नहीं है? सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान अलग करते हैं और स्माइली बोलते हैं, ये अलग करते हैं और बोलते हैं कि हम सही मुसलमान हैं और ये डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं। आपको नहीं लगता, आपको रियलाइज नहीं होता कि क्यों ऐसा? और जो भी अगर दुनिया में अगर कोई भी इंसान अगर स्माइली को देखता है तो वो बोलता है कि ये मुसलमान नहीं है, ये तो कुछ और ही है, तो क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, जरा सोचो ना। फातिमा खान का कमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि उस पे जो कुछ आप लोगों की गौर तलब चीजें चाहिए। तुम लोग कहते हो कुरान की हिफाजत अल्लाह करेगा, आज फिर क्यों नहीं किया? 26 आयत को भी डिलीट कर दिया। किसने डिलीट किया 26 आयत, और वो 26 आयत कौन सी थी और किसने डिलीट किया? ये कौन, कहां से उठा के ले आई है फातिमा खान? इसको पूछो बेचारी की शादी होगी नहीं हुई क्या, जरा मसला क्या है इसका? इसको बुरे बुरे 26 आयत का ये बता रहे हैं कि वो रजवी खान जो है एक इंडिया के अंदर उसने कोर्ट में केस किया, ये जो 26 आयत है ना ये फर्जी है, इसको निकाल दो बोलकर, ठीक है, और ये ऐसा बोलकर उसने केस किया है और निकाला नहीं है ये माने। हाँ माने वो एक एक, एक काफिरों के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है ना कि भाई उसने बोल दिया तो 100% हो गया, सारी दुनिया के मुसलमान मान लेंगे इस बात को। मुसलमानों के दिलों से तो 26 आयतें निकल नहीं सकती, जो हाफिज कुरान है उसकी हिफाजत अल्लाह पाक करते रहेंगे। ये इस्माइली कितने खुश हो रहे हैं जब कुरान पे आए। ये देखो, ये बात देखो, आप पॉइंट नोट करो कि ये फातिमा खान जो है उनके अबू रिजवी खान ने कोर्ट में केस डाला, समझे ना, तो ये कितनी बच्ची कितनी खुश हो रही है, देखो बच्ची कितनी खुश हो रही है। यानी कि अल्लाह के कुरान के ऊपर कोई बात आती है, हमें तकलीफ हुई थी ये बात सुन के कि अल्लाह करे हमें कोई ऐसा मौका मिले तो इस आदमी को हम सबक सिखाएं कि इसने ये बात की भी क्यों। और ये जो है कहती है कि अगर अल्लाह में हिफाजत करनी होती तो 26 आयतों की बात कैसे नहीं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने नऊज़ बिल्लाह उनका जो फ्रांस के अंदर उन्होंने किया था, जो नऊज़ बिल्लाह मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो पूरी दुनिया भर के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान ने अगेंस्ट हुए थे। हाजरी इमाम जहाँ जिस घर पर रहते थे फ्रांस के अंदर, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट किए लोग ने, और हाजरी इमाम के मुंह से आवाज नहीं निकली, नऊज़ बिल्लाह, माने किस तरह का है। और आज अगर 26 आयत निकाले तो हाजरी इमाम को बोलना चाहिए ना, वो तो बता दे कि कुरान है कि भाई नहीं ये तो गलत बात है बोलकर, क्यों नहीं बोलते हाजरी इमाम? नहीं, हाजिर इमाम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हाजिर इमाम जो है वो प्लुरलिज्म पे बिलीव करते हैं ना, कि काफिर आप जो भी बोलो हमारे पैगंबर को फिर भी आप हमारे दोस्त हो, हाजिर इमाम का बिलीव है ना ये, तो इस वजह से नहीं करते। सही बात है। और फ्रांस में जब गुस्ताखी हुई थी तमाम मुसलमानों ने एहतजाज भी किया, कंडेम भी किया, कितने कितने, इमरान खान हालांकि कोई रिलीजियस लीडर नहीं है, कोई इमाम नहीं है, लेकिन उसने भी भड़का, वो उसने भी कहा कि ये काम मत करो, सारे मुसलमान, लेकिन इनके इमाम के मुंह से सी तक नहीं निकली। नहीं, इनके इमाम के मुंह से, और चलो दूसरे मुसलमान तो अगर ये कहते हैं कि मुसलमान तो वो है, मगर ये तो अपने आप को आले नबी औलाद अली है कि मैं अली नबी की औलाद में से हूँ, तो इनको तो बोलना हक बनता था, तो इन्होंने आवाज भी नहीं निकाली, इन्होंने लाइट ले लिया। अच्छा, हमारे जो अमजद भाई हैं उनका एक चैनल है कानून क्या कहता है, बहुत अच्छा चैनल है, उसमें आप लोगों को बहुत रहनुमाई मिल सकती है। उन्होंने वहां से कमेंट किया है कि आप लोगों के इल्जाम बिल्कुल सही हैं, बस डिफरेंस ये है कि आप इस्माइलियों के एक्टिविटीज जो कि हिंदुइज्म से अडॉप्ट की गई हैं, आगे क्या है उनको, उनको ठीक करवाना चाहिए। देखिए, जो एक्टिविटीज हैं वो तो तब ठीक होंगे ना जब उनका सरबरा और जो उनका लीडर है वो खुद ठीक हो। अमजद चापसी भाई,
अगर हाजिर इमाम खुद ही ठीक नहीं है तो नीचे जितने भी लोअर ग्राउंड पे हम उनकी एक्टिविटीज ठीक करवा दें, जब सरबरा को जिसको फॉलो किया जा रहा है उसकी हरकतें ही गैर मुस्लिमों वाली है, तो फिर ये कैसे ठीक हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए तो पहले इमाम से बात करनी पड़ेगी, इमाम को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद जमात ठीक होगी। इमाम किसी से बात करते नहीं है क्योंकि वो तो किसी से बात नहीं कर सकते। फेसबुक यूजर कहता है ये इंतहाई गुमराह कुन चैनल है, इनको कुरान पढ़ शरीफ पढ़ना ही नहीं कर आता, तो स्टडी है जो सवाल करता है वो जाहिल है। ऐसे चैनल पर पाबंदी लगनी चाहिए। भाई हमें कहाँ पे, हाँ जी खान भाई, अमजद खान का ये जो वो था कमेंट, वो जरा एक दफा सुनाए तो फिर मैं उस पर कॉमेंट करूँ कुछ। कहते हैं आई एग्री विद ऑल द एलिगेशंस यू पीपल रेज्ड, बट डिफरेंस इज दैट आई वांट टू रेक्टिफाई एंड प्रे दैट इस्माइली मे लेफ्ट ऑल दोस एक्टिविटीज सिमिलर टू हिंदुइज्म एंड अडॉप्ट ऑल अकॉर्डिंग टू इस्लाम। सॉरी नहीं मेरे भाई, नहीं, आज भी हिंदुइज्म ही करते हैं, कोई इस्लाम की अडॉप्ट नहीं किया गया है। आज भी आपके यहाँ पर नांदी होती है, आपके यहाँ पर छाटे होते हैं जो कैथलिक्स में से आए सो है, आपके यहाँ पर क्या नाम ये गरबा होता है, डांडिये होते हैं, सेलिब्रेशंस होती है, नाच गाना होता है, नाउज बिल्ला चांद रात की मदलिसे होती है, शुक्री जो जूरा बोलते हैं वो प्रसाद के जैसा हिंदुओं का देते हैं, और अभी तो हद हो गई है जो डायमंड जुबली थी उसमें तो आपके वो औरतों ने सबने भाग लिया था, रोडों पे चल रहा था मामेरो, ये आपके हाजरी इमाम के परमिशन से हुआ था मेरे भाई। ये आपकी माने आपके हाजरी इमाम के नजरों के सामने होता है, आपके हाजरी इमाम जो है वो इमाम जो है वो डांस देखते है लड़कियों का, और आप बोलते हो कि हमने ये सब नहीं मेरे भाई, ये सब ये सोचना चाहिए कि ये सब गैर इस्लामिक है, और जो इस्लाम के अंदर जो है वजू करके नमाज पढ़ना है पांच टाइम की, हज पे जाना है, रोजे पे सुल्तान मोहम्मद शाह ने हज किया था नहीं किया था, क्या आपके इस्माइली कोई हज करते हैं? कोई नहीं करता है। तो देखो जब बोलते हो ना तो उसकी तहकीक आप भी कर लिया करो ना। उन्होंने ये थोड़ी बोला है, वो तो मान रहे हैं कि हिंदुइज्म की चीजें हमारे मजहब में है, सिर्फ वो उसको चेंज करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक कमेंट ये भी किया कि आप उनको काफिर कहना बंद कर दो, आप उनको एक अच्छा मुसलमान बनाओ। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए पहले तो उनको हाजिर इमाम की असलियत बतानी है, हमें बताना है कि जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो खुद मुसलमान नहीं है, अच्छा मुसलमान तो दूर की बात, और पहले तो उनकी आंखें खुलवानी है। और इसीलिए ये चैनल जो है क्रिएट किया गया है, ये स्ट्रीम यार्ड क्रिएट किया गया है ताकि इनको बताया जाए कि आपका ना तो तरीका ना आपका इमाम दोनों जो है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इसी प्रोग्राम का इमाम, आपका इमाम अच्छा मुसलमान है क्या? आपका इमाम पांच टाइम की नमाज पढ़ता है क्या? आपका इमाम हाजरी हज पर जाता है क्या? आपका हाजरी इमाम नमाज पढ़ने से पहले दुआ पढ़ता वजू करता है सॉरी हाँ? क्या आपके हाजरी इमाम को कलमा पढ़ने आता है? क्या आपके हाजरी इमाम को कुरान पढ़ने आता है, अरबी आती है? आपके हाजरी इमाम यार सही मुसलमान नहीं है, अच्छा मुसलमान नहीं है, तो उनकी जमात कैसा होगी? अच्छा खाली अंदानी बार बार शब्बीर अली की बात करे, इंशाल्लाह पे मैं एक काम करती हूँ, शब्बीर अली का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है शेख मुमताजुल हक साहब से, हम शेख मुमताजुल हक साहब से कहेंगे कि वो शब्बीर अली को एक दफा इस लाइव स्ट्रीम पे लेकर आए। और ये जो खालिद अंदानी उन शब्बीर अली पर रख के गन चला रहा ना कि वो बड़ा अच्छा आदमी और उसने मेरी बात सुनी और उसने इस्माइली मजहब को अप्रिशिएट किया, हम उनके मुंह से ही जो है वो निकलवा लेंगे कि शब्बीर अली ने जो है वो मुसलमान होने के बाद इस्माइली मजहब को कैसे अप्रिशिएट किया, ये फिर हम देख लेंगे कि खालिद अंदानी झूठ बोल रहा है कि शब्बीर अली बोल रहे झूठ। तो मैं कल ही बात करती हूं शब्बीर अली की मैं काफी वीडियो सुना हूं, मैं उसको माने उसको फॉलो करता हूं मुझे, मगर उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो तो इस चीजों के खिलाफ है, इस्लाम के जो अगेंस्ट काम करता है वो सारी चीजों के बात करता है, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि इस्माइली सही है और ये है, वो तो अगेंस्ट बात करता है। इस्माइली दुआ इज डिस्टॉर्टेड एंड सम ऑफ द वर्सेस फ्रॉम द कुरान आर इनकम्प्लीट, ये तो सब इस्माइली जानते हैं, इसके अलावा रिवर्स भी जानते हैं। फातिमा खान अपनी बचकाना कमेंट पर अब हंस रही हैं, कुरान की तहरीफ वाली बात पर वो खुश हुई थी। अली समनानी कहते हैं नजारी इस्माइली मुस्लिम, देयर वुड बी समथिंग यू गाइज कैन से गुड ऑल्सो, नॉट एवरीथिंग कुड बी रॉन्ग।
कुछ तो अच्छा होगा, सारा कुछ गलत थोड़ी हो सकता है। अहमद भाई जी, ये बात है कि मिसाल के तौर पर कुछ अच्छा है उसका हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब अकीदे पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मजहब जो चलता है ना अकीदे से चलता है। फलाई काम तो मिसाल के तौर पर बिल गेट्स फाउंडेशन हो गई, हम उसके बारे में नहीं बोल रहे, जिससे मिसाल के तौर पर अच्छे काम कर रहा है तो अल्लाह ताला उसका जो अजर है वो देगा जो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन हम अकीदे पे बात कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम जो है सिर्फ अकीदे पे है कि, और अकीदे पे भी इस वजह से क्योंकि इस्माइली जो कहते हैं अपने आप को मुसलमान, अब अगर मुसलमान कहते हैं तो मिसाल के तौर पर हम भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमानों के कुछ अकायद होते हैं जिनका इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे पांच बुनियादी रुकन हो गए इस्लाम के और छह बुनियादी ईमान के जो रुकन हो गए, तो इस पे हम बात कर रहे हैं, बुनियादी चीजों पे बात कर रहे हैं, बाकी अच्छे काम जो ये तो इस तरह से ही बात हो गई कि एक आदमी चोरी करता है और हॉस्पिटल बनाता है, फ्री का हॉस्पिटल बनाता है, बोलता है कि फ्री इलाजों का, चोरी करता है लोगों के पास से लूट कर। कि भाई अच्छा बनना जरूरी नहीं है, इस्लाम इस्लाम क्या कहता है, और इस्लाम के अंदर इस्लाम की चोरी करते हो आप लोग, नाम चोरी किया मुसलमानों का इस्लाम का और अपने आप का कुछ और ही बना दिया नई चीजें। असलम भाई कहते हैं या अली मदद क्यों इस्तेमाल करते हैं जबकि इनकी दुआ स्टार्ट होती है अल्लाह से। अच्छा इंडिया में फातिमा खान को इंडिया से प्रॉब्लम है तो होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। नो वी विल से शिया नजारी इस्माइली मुस्लिम व्हाट विल यू डू अबाउट इट, विदाउट मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह देयर वुड बी नो पाकिस्तान। इनको इनको वो ढक्कू साहब का जो बयान है ना वो शिया वालों का उनका सुना दो, इनको वही मतलब सही है, वो बेस्ट है, वो पाकिस्तान बना के दे दिया तो क्या हो गया, क्या कर लेंगे बस, अब खुदा मान ले तो पाकिस्तान बना के दिया तो फिर पाकिस्तान से क्यों चला गया तुम्हारा हजर इमाम, अभी पाकिस्तान में क्यों नहीं रहता फिर, हाँ क्यों नहीं रहता आपका पाकिस्तान, वहाँ पे इमाम स्टेशन कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ वहाँ धंधे पड़ेगी, वहाँ पे स्टेशन बनाता ना, यहाँ पे दसोन कलेक्ट करता, टैक्सेस माफ करवाता, और पाकिस्तान बना के दिया, आज पाकिस्तान के अंदर स्माइलियों की हालत देखो, नाउज अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए और अल्लाह उनको समझ दे, कितनी गरीबी है पाकिस्तान के, माने पाकिस्तान स्माइलियों के अंदर कितनी गरीबी है, खैर इंडिया में भी है और हर काफी जगह पर है, मगर मैं कोई कंट्री के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान बना के दिया तो आज स्माइली कितने परेशान है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर क्यों आपके हाजिर इमाम चेंज नहीं करते, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है, खाना नहीं मिलता है स्माइलियों को, सुल्तान मोहम्मद शाह ने पाकिस्तान बना के हमें तो दे दिया, लेकिन अपने बेटों को अच्छी बीवियां नहीं लेके दी, अपनी पोती को अच्छा शौहर नहीं लेके दिया, अपने पोतों को अच्छी बीवियां नहीं लेके दी, खुद का इलाज नहीं करवा सका, पाकिस्तान बना के दे दिया बस, बहुत बड़ा एहसान किया, इतनी कुर्बानियां दी है सुल्तान मोहम्मद शाह ने। ये पाकिस्तान का इस्लाम से क्या ताल्लुक है, सुन्नत में या कुरान में कहां पाकिस्तान का लफ्ज आया है? वाह अहमद भाई माशाल्लाह क्या बात है, देखें अब अमेरिका भी जॉर्ज वॉशिंगटन ने बना के दिया है जी। खमर भाई सूरे बा में अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी अगर ये तुम्हारी तरह ईमान लाएं तो हिदायत पर है, अगर तुम्हारी तरह ईमान लाते हैं तो हिदायत पर है, तुम्हारी तरह नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारी तरह हर चीज करते हैं तो हिदायत पर है, वरना ये जिद पर है, हट धर्मी पर है, ये गुमराह है। रसूल की तरह ईमान लाओ, रसूल सल्लम ने एंड में कहा मेरी नमाज मेरी नमाज मेरी नमाज, दुनिया से जब पर्दा करने से पहले कहा अस्सलात, मेरी नमाज को कायम रखना, और शैतान सबसे पहले नमाज ख़त्म करेगा, और समाजियों में सबसे पहले नमाज ही ख़त्म करी। आप देखें कयामत का एक किस्सा है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इनसे जब कहा जाता है रुकू करो तो रुकू नहीं करते, अल्लाह ताला कहता है कयामत के दिन मैंने सबको जमा कर लिया है इनके अगलों पिछड़ों को, जब इनसे कहा जाता है रुकू करो तो रुकू नहीं करते, अब इस कुरान के बाद ये किस चीज़ को मानेंगे। अच्छा बात ये है कि रुकू करने के लिए हम किस किसको बोलेंगे, किसी क्रिश्चियन या ज्यू को तो हम रुकू करने के लिए बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तो मुसलमान ही नहीं है, रसूल को ही नहीं मानते, यानी अल्लाह का मतलब ये था कि क़यामत तक ऐसी कौमें आएंगी जो रसूल का रुकू ख़त्म कर देंगी, जब इनसे कहा जाता है रुकू करो तो रुकू नहीं करते,
हम इस्माइली लोगों से कह रहे रुकू करो, रुकू नहीं करते, सही है ना। तो आज 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 तबाही है तुम्हारे लिए कयामत के दिन। ये कयामत का कैसे भी हुआ नहीं है, ये होने होगा फ्यूचर में। तो इनसे कहा जाता है सही बात की कमर भाई नहीं करते, आज तबाही है इनके लिए, सही है। किसी क्रिश्चियन को तो हम नहीं कहेंगे या जीव को तो नहीं कहेंगे कि रुकू करो, क्योंकि तो रसूल को ही नहीं मानते। यानी ये मुसलमानों की फिरके की बात हो रही है कि फ्यूचर में फिरके आएंगे जो रसूल का रुकू खत्म करेंगे। कयामत में कहा कि इनसे जब कहा जाता है रुकू करो तो रुकू नहीं करते। तो ये वो फिरका इस्माइली फिरका जो इस आयत पे उतर रहे है, इसने रुकू खत्म किया और कयामत के दिन से पूछा जाएगा, इनसे जब कहा जाता था रुकू करो तो रुकू नहीं करते। सूरह मुरसलत है शायद की आखिरी आयत है और ये सूरत खत्म होती है। अब इस कुरान के बाद किस चीज को मान बात। अफार हुसैन भाई कहते हैं फातिमा खान के कमेंट से उसकी असलियत का पता चल गया है। बिल्कुल सही बात है। दिस इज द प्रॉब्लम विद इस्माइलीज, व्हेनेवर वन इज आस्किंग क्वेश्चंस टू देम दे ऑलवेज डाइवर्ट द आंसर इन डिफरेंट डायरेक्शन। की आयत में जी भाई सूरह निसा में अल्लाह ताला कहते हैं कि इनाम किन पर हुआ, ये इनाम उन पर हुआ जो अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं। मतलब इनाम उन पर हुआ जो अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं। ये अन्मा अलैहिम वो लोग हैं जो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं और ये अच्छे दोस्त हैं, ये अच्छे रफीक हैं। यानी जो अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करता वो बुरा दोस्त है। यानी आग खान साहब जो अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करते वो एक बुरा दोस्त है। तो अल्लाह ने सूरह निसा और सूरह बकरा में दो फार्मूले हमको बता दिए। एक फार्मूला के रसूल तुम्हारी जरा ईमान लाए तो हिदायत पर है, वरना जो कर ले गुमराही पे हट दर में जिद पर है। निसा में बता दिया कि इनाम उन पर हुआ जो अल्लाह रसूल की इताअत करे और यही अच्छे रफीक है, सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि आखन तो बुरा दोस्त हुआ। जो जो सूरह फुरकान में फुलालन खलीला के फला को तुमने दोस्त बनाया, उसमें भी खलील का नाम है फुलालन खलीला, के वो अपने हाथ चबाएगा कहेगा कि मैंने फला को दोस्त बनाया, अपना दोस्त बनाया मिस्टर एक्स वाई जेड को फुलालन खलीला, जिसने मुझे रसूल के रास्ते से हटा दिया और रसूल ने कहा कि तुमने कुरान को छोड़ दिया। यानी रसूल का रास्ता और कुरान। सूरह फुरकान कहते हैं कि उसकी पैरवी करो, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैय, पैरवी उसकी करो जो मेरे रास्ते पे हो। अगर आगा खान अल्लाह के रास्ते पे होता तो हम क्यों उसकी पैरवी नहीं करते। आगा खान अल्लाह के रास्ते पे नहीं है, हमको जो कुरान से हिदायत मिली, हमको हम इस्माइलियों को पता चल गया कि अल्लाह की किताब है, क्योंकि इतनी बेहतरीन किताब वो थी। हमारी हिदायत की प्यास कुरान ने बुझा दी। आगा खान साहब ने तो कभी हमको कुरान नहीं सिखाया बचपन से, ना नेट स्कूल पे भी। तो कभी एक दफा कोई सूरत नहीं पढ़ी कि ये लोग जो कुरान पे उंगलियां उठा रहे, इसी कुरान ने हमको हिदायत दी है। नहीं तो कुरान के लिए तो कह ही रहे ना, कुरान तो आना ही नहीं चाहिए था कयामत। हाँ फ्यूचर इवेंट्स, इसलिए तो कुरान को ही खत्म कर दिया। हमको फ्यूचर इवेंट्स पता चल रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है रुकू करो तो रुकू नहीं करते, आज तबाही है इनके लिए। अब कुरान के बाद किस चीज को मानेंगे, इतना क्लियर है इसमें मैसेज। अब ये कहते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं जाना चाहिए था, और उसी कुरान से ये लोग फिर बारहवीं आयत देख कहते हैं कि ना हमारा इमाम सच्चा है, कुरान को ये कहते हैं लिखा ही नहीं जाना चाहिए। तो ये ठीक है। अच्छा कमर भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी बातें अल्लाह ताला कयामत इनसे पूछेगा भाई तुम इस किताब को समझ, तुम क्या चाहते हो। माशाल्लाह कमर भाई यहाँ पे कमेंट्स काफी जमा हो जाते हैं तो मैं जरा पढ़ लेती हूँ ताकि ये लोग इंगेज रहे। अजमीर अली कहते हैं इस चैनल को रिपोर्ट किया जाए, तो अजमीर अली के पास शायद जवाब नहीं मौजूद है, इसलिए ये रिपोर्ट करने पर ही मुनस्सर करेंगे अपने आप को। और इस्माइलियों की आदत रही है कि जब इनसे कोई सवाल किए जाते हैं तो इनको एक ही चीज सिखाई गई है और मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि इनके इमाम ने इनको एक्सक्लूसिवली कहा है कि जब तुमसे कोई मुसलमान सवाल करे तो तुमने क्या करना है, तुमने बस ये करना। इग्नोर ब्लॉक एंड रिपोर्ट, जब एक इस्माइली के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं और वो अपने जमात खाने जाता है तो इनको एक ही कुलिया एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है और वो ये होता है कि इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो और इनको रिपोर्ट कर दो।
क्योंकि जवाब तो उनके पास होते नहीं है, रुसवाई ही होती है। इसलिए अगर ये नॉर्मल रिलीजन्स की तरह जिस तरह बाकी रिलीजन डिस्कशंस में इंगेज होते हैं, अगर ये इंगेज होंगे तो एक्सपोज होंगे, और इसी वजह से इनके मानने वालों को ये हिदायत की जाती है इमाम की तरफ से कि किसी से भी अपनी मजहबी बहस मत करो, क्योंकि मजहबी बहस करोगे तो तुम पर ये बातें खुल के सामने आएंगी कि इस्लाम क्या कहता है और इमाम क्या कहता है और दोनों में फर्क है। ये बात है अजमीर अली साहब, आपके पास जवाब है तो आप आइए, आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया गया है, आके बात कर लीजिए। फातिमा खान भी कहती है कोई इस्माइली इस ग्रुप में आके बात ना करे, ये भोंक रहे हैं और ये और वो। तो फातिमा खान आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप एक गली के कोने में चुप करके बाकी लोगों को, बाकी अपने साथियों को कह रही हैं कि अंदर मत जाओ, कहीं ये ना हो कि तुम्हें साबित कर दें कि तुम काफिर हो, तुम मुसलमान नहीं हो, इसीलिए आप ये सारी हरकतें कर रही हैं, लेकिन जवाब आपके पास भी मौजूद नहीं है। स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया गया है आप सबके पास, कॉमेंट्स में जरा तेजी से पढ़ लेती ताकि आप सब इंगेज रहें इस डिस्कशन में। डज द प्रेजेंट जनरेशन नो अबाउट इस्माइलिज्म, आज के जमाने की जनरेशन को पता है? अजमीर कहते हैं तुम जाहिल लोगों को अपना ही नहीं पता, अपना नहीं पता आया इस्लाम पर डिस्कशन करने वाले, बड़े आए इस्लाम पर डिस्कशन करने वाले। तो अगर आपको लगता है कि हमें नहीं पता, आपको पता है, तो फिर आपको किस चीज ने रोका हुआ है? सवाल ये होता है जी मेरे भाई, हम जाहिल है, आप आ जाओ हमारी सलाह कर दो, आप हमें सिखा दो। सही, हमें सिखा दो। हमने कब कहा कि हम बड़े यहाँ पे आलिम फाजल बैठे हुए हैं? अगर आपके पास कुछ इल्म है तो आ जाइए, बल्कि आपका तो मिशनरी भी है हमसे बात करने को राजी नहीं है, लेकिन कमेंट्स में अपना टाइम यहाँ पे लगा रहा है, बड़ी बात है, वो सुन भी रहा है एटलीस्ट। सब कुछ आप ही को इतनी है वहां, जी बस करो। अच्छा, सब कुछ आपको ही पड़ी है, आप ही बस करो, कुछ लिखा है इस तरह करके। अनीश अवादिया भाई कहते हैं फातिमा खान कुरान की आयत में से आयत तो दूर करने, ये तो बहुत दूर की बात है, कोई नुक्ता जबर जेर कोई भी कयामत तक बदल नहीं सकता। और आप ये भी जान लो कि शैतान रिजवी नाम का कलकह नाम नाकाम रहेगा, इंशाल्लाह नाकाम रहेगा और होगा, और अगर कामयाब हो भी जाता है तब भी मुसलमानों के दिलों से कुरान नहीं निकाल सकता, कुरान महफूज ही रहेगा क्योंकि वो दिलों में महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। असलम भाई कहते हैं कानून एनी रिलीजन विच कीप्स ऑन चेंजिंग मॉडिफाइंग एंड मेकिंग अमेंडमेंट इज नॉट द परफेक्ट रिलीजन, हर बार इस्माइलिज्म में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, इसका मतलब ये दीन मुकम्मल नहीं बल्कि हर दफा तब्दील होता रहता है, इंसानों का बनाया हुआ है। आका खान मुसलमान तरीन करदा, अच्छा ये तो फारसी में लिखा है, इसको तो मैं क्या समझूंगी। अल्लाह हैज परफेक्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खलील अंदानी की बकवास पढ़ लेते हैं, द वर्ड नांदी इज करप्ट फॉर्म ऑफ नादी हूज ओरिजिनल फॉर्म इज नाद इन अरबिक मीनिंग टू कॉल, वर्ड निदा मीन्स ऑक्शन, द वर्ड नाद इज यूज 29 टाइम्स इन द कुरान। अच्छा 29 टाइम्स जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ होगा ना वो कभी नहीं बताएगा क्या? कमर भाई मैं सही कह रही हूँ ना, नाद का लफ्ज जो है वो अजान के लिए भी आया है, पुकार के लिए भी आया है, लेकिन जिस तरह की नांदी ये करता है खाना बेच के, ये उसमें फिट करने की कोशिश कर रहा है। 29 टाइम्स अगर कुरान में आया भी है द वर्ड नाद, तो क्या ये वही तरीका है जो नबी ने किया, खाना किसी एक से पकवाया? जी सलीम भाई, ये तो खुद ही बोल रहा है कि नांदी इज अ करप्ट फॉर्म ऑफ नाद, खुद ही बोल रहा है, तो ये करप्ट फॉर्म को आपने रखा क्यों अपने मतलब कल्चर के अंदर, और उसमें जमात खाने में इसकी इजाजत क्यों दी है? पूरा इस्माइलिज्म ही करप्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम है, पूरा इस्माइल आपने बता दिया, पूरा इस्माइलिज्म करप्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा खलील अन्नानी, यू आर सपोर्टिंग अस इनडायरेक्टली। अच्छा आप बड़ी बारीकी से बात पकड़ लेते, उसने खुद ही करप्ट बोल दिया, तो आगे से कोई मुझे तो कुछ बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर नाद का लफ्ज इस्तेमाल भी हुआ, मैं वो सर्च कर रही हूँ, इसने कभी भी जाहिल ने ना वो आगे पीछे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा, बस ने वो वर्ड पकड़ लिया कि नादी है तो नादी को मुझे फिट करना है नांदी में, लेकिन तरीका कभी साबित नहीं कर सकता ये खलील जी। नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल भी अच्छा बन जाएगा ये, इस्माइलिज्म इज अ करप्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम, ये बहुत ही अच्छा टाइटल है। जाहिल लोग आया इस्लाम पर डिस्कशन करने, वो जाहिल लोग इमाम बन सकते हैं आपके मजहब के, तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते आप लोगों पे। अली लंदानी कहता है अनदर व्यू सजेस्ट दैट नांदी इज अ हिंदी वर्ड मीनिंग ब्लेसिंग,
एक तरफ एक बात कर दी अब दूसरी बात कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर देना है इसने। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेहमानिया, मेहमानी आ गई एंड एंटरटेनमेंट टू इमाम। वो तो आपके इमाम बहुत शौकीन है एंटरटेनमेंट को, तो हमें पता है। नांदी इज एन इस्लामिक प्रैक्टिस टू ऑफर फूड टू द इमाम। लो नाउ ही हिमसेल्फ इज चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ नांदी इन दिस टू स्टेटमेंट्स। अभी दो जो उसने कमेंट्स दिए दोनों में उसने पूरे नांदी की बात ही को अभी घुमा दिया। पहले बोला कि ये उसको पुकारने को कहा जाता है, कॉल को, ठीक है ना, कॉल यानी कि नाद का मतलब पुकारना। अब नीचे आ गया वो एंटरटेनमेंट टू इमाम और फूड टू इमाम, मेहमानी टू इमाम, मतलब ये पैसे घसीटने का तरीका है। एंटरटेनमेंट फॉर इमाम इज जस्ट कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम इज बेचारे ना समझ वो मुरीद। लेकिन देखो ना वो कैसे अपना अपनी अपनी सैलरी हलाल कर रहा है, फुल लगा हुआ है नांदी, नाद, मेहमानी, एंटरटेनमेंट सब कुछ चिपका रहा है। अच्छा, इमाम ने, इमाम को जो खाना ऑफर किया था उसको ये कहता है नांदी। अच्छा, इमाम को जो खाना ऑफर किया था, क्या इमाम उस खाने को बेच के उसका पैसा रख सकता है? ये कहाँ से प्रूफ करेगा? अच्छा, और फिर नांदी एंटरटेनमेंट कैसा हो सकता है यार? नाच गाना तो मैं समझता हूँ एंटरटेनमेंट, नांदी हाउ इज एंटरटेनमेंट फॉर इमाम? पैसा जेब में आता है ना, खुशी होती है। इमाम खोले ना समाए, वो वाली बात होती है। वैसे एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा है इस्माइलिज्म में, एक बात है। सही। बड़ा काम किया है इस्माइलियों को गुमराह तो भी किया ना, गुमराह किया, बड़े काम किए हैं। बिल्कुल आका खान ने बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन गुमराह किया, सबसे बड़ा गुनाह किया। कहते हैं इट इज एन ऑब्लेशन प्रेजेंटेड इन इस्माइलिज्म। व्हेन आस्क्ड अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ इस्लाम द प्रॉफिट सेड ऑफरिंग फूड एंड एक्सटेंडिंग ग्रीटिंग ऑफ पीस। अच्छा, बुखारी की हदीस ले आया, लेकिन वो उसी इसी हदीस में सलाम का वर्ड है। अब तुम ग्रीटिंग करते हो तो तुम याली मदद बोलते, तुम सलाम तो नहीं बोलते। फिर ऑफरिंग फूड है तो ऑफरिंग फूड टू पुअर पीपल है, ये नहीं कि ऑफरिंग फूड टू पुअर टू इमाम बाय टेकिंग देयर मनी एंड फूड और फिर उसको ऑक्शन कर। हाँ, ऑफरिंग फूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल, पुअर पीपल, नॉट सेलिंग इट टू देम फॉर मनी। और वो भी क्या बिडिंग करके, मतलब वो क्या जुआ है क्या? मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखें किस तरह बोली लग रही है। खाने किसी और के, पकाया किसी और ने, लाया कोई और यहाँ पे उस पैसे की मौज मारेगा इनका इमाम। ये देख लीजिए, चलो अकॉर्डिंग टू चला देते हैं, ये देखिए जरा, ये होती है इनकी हरकतें जमात खाने में। अच्छा, वो जो बिडिंग करेंगी ना, जो ऑक्शन लगाएंगी, वो औरतें पीछे मुखियानी और सब कुछ, अभी कोई हिडन कैमरा से बना रहा है, हाथों में इन्होंने प्लेटें पकड़ी हुई औरतों ने, देखिएगा। अच्छा, पहले मिनिमम प्राइस ऑफ बिडिंग भी बोल देते हैं मुखी कामड़िया के, भाई अच्छा, पहले 10 रुपया फिर उसके बाद ऊपर बढ़ो। ये देखें, ये देखें, या आगे खाना पड़ा हुआ है, ये सारी खड़ी हुई है। अब ये एक इसमें से हाथ उठाएगा कि मैंने इतने में खरीदा, तो इसमें खरीदने में गरीब को कहाँ ऑफर हो रहा है खाना? ये पैसे तो इमाम की जेब में गए, देखो प्लेट ऊपर हो गई। इनफैक्ट ये तो खाने को महंगा कर रहा है गरीबों के लिए, फ्री में होना चाहिए ना, तो महंगा कर दिया। और वही घूम रहा ना सलीम भाई, एक अमीर इस्माइली या एक मिडिल क्लास इस्माइली घर से खाना पका के लाया, उसने गरीब को नहीं दिया, उसने वहीं पर एक अमीर को पैसों में बेच दिया, तो गरीब के पास कहां पहुंचा ये खाना? कहां पहुंचा? ये सारे इनको इतना डराया हुआ है कि कल मेरी एक बेचारी, हमारे एक रिश्तेदार है, उसके बच्ची से मेरी बात हुई, तो वो मैं जैसे ये बात उसको बोला ना, तो वो डर गई। वो मैंने उसको बोला कि भाई वो जो अपना वो बोल देता है, तो वो बोल है ना, तेरे को मालूम पूरी जमात को एक ही दिया है, और मैंने उसको बोल दिया तो डर गए, बोली तू बोल दिया अभी तेरे को कुछ होएगा। अरे मैं बोला कुछ नहीं होता है टाइम पे। नहीं, बोलते पागल हो जाएगा। अरे पागल तो मैं इतने साल से बोल रहा हूँ, मेरा बोल सबको बोल रहा हूँ मैं, तो मैं तो पागल हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये देखे जा रही औरतों ने हाथों में प्लेटें ली हुई है, माइक पे बोली लग रही है, यानी कि ये जो सिस्टम है ये खलील अंदानी कैसे प्रूव करेगा? चैरिटी वाली हदीसें और चैरिटी वाली कुरान की आयतें उठा के ले आएगा, यहाँ पे बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करे अजमी अली,
लेकिन अजमीर अली आपको अपने मजहब का कुछ नहीं पता, जब हम आपको दिखा रहे हैं तो आपके मुंह से गंदी गंदी गालियां निकल रही हैं, तो इसकी वजह यही है कि आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच बर्दाश्त होता ना तो कभी आप इस तरह की गाली मत देते, बल्कि आ जाइए स्ट्रीम यार्ड पे बात कर लें अगर आप सच्चे हैं तो। जी, कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सच जो है ना झूठ से मिलता है, जब सच झूठ से टकरा जाता है ना, तो ऐसा होता है जैसे इंसान का भेजा, इस वर्ड इस्तेमाल हुआ, जैसे इंसान का भेजा जो फूट जाता है ना, फट जाता है इंसान का, जब फट जाता है तो ऐसा होता है। तो ये मिसाल के तौर पर जब हम ये सच बोलते हैं ना, तो इस्माइली भाइयों का भी ऐसे ही हालत हो जाती है कि जवाब नहीं होता है तो बिल्कुल गालियां देते हैं और दलील नहीं होती है। अभी अभी ये खलील अंडानी ने एक कमेंट डाला है कि यू विल नॉट फाइंड वन इस्माइली बेगिंग इन द स्ट्रीट एट ऑल। मैं उसको तस्वीर के साथ वो आदमी का वीडियो लाके दिखाता हूँ जो बेचारा मस्जिद के बाहर खड़ा रह के भीख भी मांगता है, और यहाँ से पूरे हमारे इलाके से बेचारा वो रात को बोतलें प्लास्टिक और को प्लास्टिक के कचरे चिंदी उठा करके बेचता है रात को 12 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल है, और एक नहीं है बहुत सारे। और कितने आगा खान बाग में रहता है वो बेचारा। ये नांदी एक तरह की गेम है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हो वो खरीद ले। अच्छा, अगर कुरान शरीफ में हम ज्यादा करें तो सूरह बकरा में एक ऐसा जिक्र है कि ये लोग जो है ना तीरे चलाते हैं, तो गोश्त, ये लोग रसूल सल्लम के टाइम पे जो कुरैश के काफिर थे, ये लोग गोश्त रखते थे और गोश्त पे तीर चलाते थे, तो जिसका अच्छा तीर चला वो हिस्सा गोश्त का ले लेता था। तो आज के दौर में ये शैतान ने तीर तो हटवा दिए, लेकिन ये कह दिया कि उस टाइम पे तो जो अच्छा तीर चलाता था वो गोश्त का टुकड़ा लेगा। आज ये शैतान ने कर दिया, जिसके पास ज्यादा पैसे की ताकत है वो ये खाना लेगा। तो सूरह बकरा में तो तीर का जिक्र है कि जिसकी जिसकी तीरंदाजी अच्छी है वो एक गोश्त का टुकड़ा ले ले, और यहाँ पे जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बोली लगा के ये खाना ले ले। अब इमाम तो जो है वो खाना तो ले नहीं जा सकता क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए। अब खुद खरीद के देते हैं। फिर अब देखे ना, दो दफा एक चीज बिक रही है, एक इन्होंने बाजार से चीज खरीदी और नांदी में ले आई। अच्छा, फिर वही चीज वो दूसरा बंदा खरीदता है, यानी एक ही चीज दो दफा बिक रही है। तो एक तरह का गेम चला हुआ है कि जिसकी पैसे की ताकत है वो बोली लगा के खरीद ले। कमर भाई, कुछ अरसे में ना एक मैसेज निकलेगा कि खरीदना भी आगा खान के होटल से है, बेचना भी आगा खान की जमात खाने में है, और फिर पैसे भी, ये भी कुछ दिन में निकल जाएगा, देखिएगा। हाँ, आप मानेंगी बहन, मैं तो इस इस्माइलिज्म से इनकी जो एक हरकत है ना, जो डिवाइड करने की ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ ऑफ द पीपल, के भाई वो बैतुल ख्याल के अंदर 75, फिर उसके ऊपर लाइफ और उसके ऊपर फिदाए और उसके ऊपर कुछ और, तो ये कौन सा मजहब है जो मुसलमान एक 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 जमाती को दूसरे जमात से पैसे के बिना पे बांट लिया। मैं गरीब हूँ तो मैं वो प्रायोरिटी नहीं मिलती है मेरे को कि मैं वो लाइफ की मतलब अटेंड भी कर सकूं। अजमीर अली भाई खुदकुशिया कहते हैं। जी, ये जो जीव के रैबीज थे ना, जो उनके उस टाइम पे, वो लोग सब्बत के दिन कहते थे कि कोई भी कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये लोग खुद अपने जो इनके जो जो मस्जिदें थी उस टाइम पे, ये लोग वहाँ पे जो है ना सेक्रीफाइस करके बेचते थे खाना। तो हजरत ईसा कहते थे कि जब सब्बत के दिन कोई काम नहीं होता तो फिर ये लोग क्यों यहाँ पे मटीरियलिज्म कर रहे हैं अपनी मस्जिदों में। तो हजरत ईसा जो है सब्बत के दिन सबकी हेल्प करते थे और सारे काम करते थे। तो ये जो ज्यूज है इन्होंने कहा कि ये हेरेटिक है, हमारे मजहब के खिलाफ जा रहा है। हजरत ईसा का मेन इशू यही था कि तुमने मटेरियलिज्म क्यों ले आए अपने मस्जिदों में। तो आज देखिए इस्माइली भी यही है कि नीचे से ऊपर तक मटेरियलिज्म है जमात खाने में। सही है, हर चीज पैसे से, जिसके पास पैसा है वो खरीद ले। और गरीब आदमी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी तो नांदी खरीद भी नहीं सकता। मैंने खुद ने दरखाना जमात खाने में देखा है कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो नांदी वध भी नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि वो कहाँ से पैसे लाएंगे। जिसकी पैसे की ताकत है वो खरीद लेता है, ऐसा थोड़ी है रखा हुआ है जिसकी मर्जी आए उठा लो। तो एक गेम है कि भाई जिसकी पैसे की मसल्स है वो खरीद ले, जैसे उस टाइम पे जिसका निशान अच्छा था वो गोश्त का टुकड़ा ले ले। अच्छा, ये अपने आप को शिया कहते हैं,
अपने आप को ये लोग शिया कहते हैं, अजमीर भाई खुद को शिया कह रहे हैं, हम शियों का ग्रो है, ये है वो है, तो शिया इनके बारे में क्या कहते हैं, अगर आप ज्यादा दे तो मैं तेरा वीडियो चला देती हूँ अजमीर भाई। मेरे मोहतरम, जो हमारे 12 इमामों में से एक को भी नहीं मानते या एक को अधूरा मानते हैं, मौला अली को चौथा मानते हैं, तो क्या मानते हैं? हम उनको मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये आगा खानी है, माजरत के साथ मैं काफिर बनाने का आदि नहीं हूँ, लेकिन हकीकत जो है उस हकीकत है, बहरहाल वो इसलिए काफिर नहीं कि वो हमारे 11 इमामों को नहीं मानते, एक इमाम जाफर जादे को मानते हैं या 6 को मानते हैं, बाकी 6 को नहीं मानते हैं, बल्कि इस बिना पर हैं कि वो पूरे जरूरियात इस्लाम के मुनकर हैं, न नमाज को वाजिब जानते हैं, न रोजे को वाजिब जानते हैं, न हज को वाजिब जानते हैं, न जक़ात को वाजिब जानते हैं। यही वजह है कि शिष्य इमामियों की, आगा खानियों की, हमने उनको करीब से जाकर। जी, तो अजमीर अली भाई आप कहते हैं हम शिया हैं, शियों का बड़ा ग्रुप है, उसमें से हम एक सेक्ट हैं, तो शिया तो आपको ओन नहीं करते, शिया भी आपको काफिर कहते हैं, ये आपकी बात का जवाब हो गया। खलील अंदानी कहते हैं द मनी फ्रॉम नांदी गोज टू इमाम एंड फ्रॉम दैट मनी द इमाम बिल्ड्स हॉस्पिटल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, जवाब चाहिए। और जी, हॉस्पिटल जब बनाते हैं तो सबसे महंगा हॉस्पिटल पाकिस्तान में जो है आगा खान हॉस्पिटल है, फ्री का इलाज नहीं होता है, सबसे महंगा हॉस्पिटल है, 6-6 लाख, 12-12 लाख, एक मिसाल के तौर पर ये कोरोना जब किसी को हुआ था 6-6 लाख, 12-12 लाख के वो पर्ची लगा था लोगों को। तो हॉस्पिटल जब बनाते हैं तो वो तो होटल जो सेरिना होटल जो बनाते हैं, जो जिसमें शराब बेचते हैं, कुरान और सुन्नत के कोई लिहाज नहीं है, तो बस ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगे हुए और जो अल्लाह कह रहे हैं उनके पीछे ये जा रही नहीं है, जो जो इंसानी ख्वाहिशात जो होती है उनको पूरा कर रहे हैं। तो और मैं एक चीज बताना चाहूंगा खलील, जब ये इन्होंने पहले जो बोला कि इस्माइली में भिखारी नहीं है, तो इससे कोई ये कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सूरह बकरा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को बोला कि या अल्लाह ये लोग रास्ते पे नहीं आते, ईमान पे नहीं आते, तू ऐसा करके इनकी रोजी बंद कर दे, तो अल्लाह ताला ने बोला कि नहीं, रोजी तो मैं इन काफिरों को भी दूंगा लेकिन आखरत में इनके पास कुछ नहीं होगा। तो भाई इस्लाम जो है पूरा दीन ही आखरत पे है, ये कोई मिसाल के तौर पर गरीब है या पैसा है, इसका कोई इस्लाम में लॉजिक ही नहीं है कि अगर किसी के पास आता है, किसी के पास ज्यादा है कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब आखरत पे ही है। तो ये कहना चाह रहा था मैं। सही, अच्छा, इसके अलावा जो है कोई भी फैसिलिटी हाजिर इमाम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, जो इलाज है वो भी पैसों से है, जो चीज बनती है हॉस्पिटल और सब कुछ वो आपके पैसों से बनता है, और फिर वहां पे इस्माइली दोबारा से पैसे देकर इलाज करवाता है, तो ये कोई दलील नहीं आपके इमाम की। अशरफ अली का कमेंट है, कहते हैं कि शिया इमामी आगा खानी रेस्टोरेंट। जी बिल्कुल, इसी रेस्टोरेंट से कुछ अरसे के बाद खाना लिया जाएगा, जमात खाने में बेचा जाएगा और वहीं से पैसे दोबारा से कमाए जाएंगे। You have gone crazy by saying bold to everyone. Your iman is gone and you are disconnected from imam. This is craziness. लो जी, खलील अंदानी कहते हैं सलीम भाई आपका ईमान चला गया, आपका इमाम से ताल्लुक खत्म हो गया, आपने तो सबको अपना बोल बता दिया। लेकिन वो तो बोल 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 रहा था ना, मैं तो उसको बोल समझ के कैच कर लिया हूं और उसको मैं फेंक रहा हूं। अशरफ अली सेइंग योर बोल इज अल आला, नाउ अशरफ अली इज आल्सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इमाम। बात ही खत्म हो गई है यहाँ पे, इमाम के बोल की पोल खुल गई है। सही अल्फाज। कुरान में लिखा हुआ है कि किसी के दीन पे मत जाओ। अच्छा, किसी के दीन पे मत जाओ, व्हाई डोंट यू शट योर माउथ। शाजीब सलीम, आप अच्छा, हमारे दीन पे आए। ये कहाँ लिखा है, ये मेरे भाई से पूछना या बहन से पूछना, ये कहाँ लिखा है कुरान में कि किसी के दीन पे मत जाओ? ये पता चल जाएगा कि ये सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं इस्माइली। आप इनसे पूछे हवाला ले, कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है? हवाला दीजिए। जी अहमद भाई ने बहुत बड़ा सवाल कर दिया, आपने अल्लाह पे बोहतान बांधा है क्या? अगर ये ऐसा लिखा है कुरान में तो दिखाइए, वरना आपने अल्लाह की जात पर बोहतान बांधा, कुरान में तहरीफ करने की कोशिश की है, दिखाइए कहाँ लिखा है किसी के मजहब पे नहीं जा सकते। कहते हैं आई रिमेम्बर व्हेन अफगानी पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 2000, नो लोकल इस्माइली वुड शेक हैंड्स विद पुअर अफगानी पीपल,
It was total racism and they were mocked and made fun of them immensely. मुझे मेरे ख्याल से अहमद भाई इस बात का बताएंगे. अहमद भाई, क्या ऐसा कुछ पाकिस्तान में जब हुआ था अफगानी लोग, क्योंकि आप अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं. नहीं देखो, जो बात हकीकत है, जब हम पाकिस्तान गए थे तो हमारे जो भी इस्माइली भाई थे सब ने हमारा अच्छे से इस्तकबाल किया था, हमारा मदद किया था. अच्छा. हमें रिहाइश दी थी, इसमें कोई इनकार नहीं है. बिल्कुल सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल किया था, अपना एक इस्माइली भाई समझ के. तो अच्छा. बहुत ही अच्छी मदद की थी, तो ऐसा कोई कुछ नहीं था. मतलब लोगों ने घर भी दिलाने की कोशिश की थी, मदद आई थी, ये इसमें ऐसा कोई वो नहीं है. देखो ह्यूमैनिटी जो है ना, ह्यूमैनिटी की जो चीजें हैं हम उस पे वो नहीं जा रहे, हम अकीदे पे जा रहे. सिर्फ मिसाल के तौर पर जो इस्लाम के अकाइद है हमारा सिर्फ यही है. ठीक है. खलील दानी कहते हैं, येट द इमाम इज एबल टू ब्रिंग बेस्ट हेल्थ केयर एंड पे 1000 एम्प्लॉइज. इनके इमाम अच्छे. Reliance Ambani has made much better healthcare hospital and he is also paying thousands to his employees. Each doctor gets paid in millions. तो उसको भी इमाम बना लो. तो फिर और ये अच्छा. ये जो बोरी है, बोरियों ने जो सैफी हॉस्पिटल बनाई है, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाई है, वहां पे भी लूट है पैसे की, लेकिन ये आगा खान के हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा गुना अच्छी हॉस्पिटल बॉम्बे में बनाई है. तो क्या वो लोग नांदी करके बनाते हैं ये अंबानी रिलायंस वाले? वो उनका भी झोल अलग है, वो बाद में अपन बात करेंगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा. लेकिन वो मतलब कुछ अली का नाम लेके तो नहीं ना, कुछ अपने आप को राम शंकर तो बता के नहीं बना लिया होगा? वो तो उन्होंने उनके उसके मजहब में क्या है कि वो लोग कबर भी बेचते है. समझे ना, वो कबर भी बेचते. इस्माइली भी बेचते क्या? इस्माइली भी बेचते, छाटा होता है मुर्दे बेचारे. नहीं, कबर यहाँ पे समझ लो किसी का इंतकाल हो गया तो उसको फलाने से कब्रिस्तान में दफन करना है तो उसका चार्जेस रेट है, उसका मेनू है पूरा. तो सलीम भाई, पाकिस्तान में इस्माइलियों का जो कब्रिस्तान है उसमें आपको जगह नहीं मिल सकती जब तक आप इमाम को पे नहीं करते. अच्छा, ये नहीं मालूम था मेरे को. हाँ, यहाँ पे भी कबर बिकती है, इस्माइली की कबर होती है बाकायदा, उसके अच्छे वाले के चार्जेस लगते हैं. अच्छा अच्छा, नहीं हो सकता है, बिल्कुल वो भी कहेगा छोड़ेंगे लोग. वो भी क्यों छोड़ेंगे? जब मुर्दे का छांटा हो रहा है, उसके गुनाह मरने के बाद माफ हो रहे हैं, तो बाकी क्या रह गया? सही बात है. ये कि बेचारा मुर्दे को पता भी नहीं उसके गुनाह माफ. अच्छा, कहते हैं अल्लाह ने कहा कि जब तक सांस नहीं निकलती तब तक उसके गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन इनका इमाम तो मरे हुए के भी गुनाह माफ कर देता है भाई. एडवांस अपग्रेडेड वर्जन है भाई. In majalis at JK, women wear expensive jewelries, clothes which are tight and revealing. How can you pray in such clothes? Are, how can she pray in such clothes? How can we also pray in such when somebody is sitting like that? अरे हाँ, वो एक है ना इनके इमाम का कि ऐसे कपड़े ना पहनो जिसमें बराबर में बैठे हुए मुरीद की बंदगी में खलल आए. लेकिन फिर इमाम की खुद की घर की औरतें ऐसे से कपड़े पहनते हैं तो क्या कर सकते हैं. अजमीर अली कहते हैं, सूरह काफरून पढ़ो. सूरह काफरून उनके लिए है जिनको इस्लाम की दावत दी जाती है और वो कहते हैं कि नहीं, हमने ईमान नहीं लाने वाले. तो सूरह काफरून उन लोगों के लिए है. हम आपको इस्लाम की दावत देते हैं और आप कहते हैं कि हमें इस्लाम नहीं इस्माइलिज्म चाहिए. तो सूरह काफरून आपके लिए हुई, लकुम दीनकुम वलिया दीन. तुम अपने इमाम आगा खान की पूजा करो, उसकी इबादत करो. हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है, हमारा दीन इस्लाम है, हम उसी पे रहेंगे. थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग खलील अंदानी अशरफ अली खलील अंदानी, आप अपनी सैलरी बहुत हलाल कर रहे हो, बहुत डेडिकेटेड वर्कर हो. किसी के रिलीजन के बारे में मत बोलो. शाहजेब इस्माइली कहते हैं, किसी के रिलीजन के बारे में मत बोलो. आप हमारे इस्लाम मजहब का लेबल लगाना बंद कर दो, हम आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. जिस तरह हिंदू ईसाई हर कोई अपने अपने मजहब में खुश है, हम आपको भी आपके मजहब में खुश रहने देंगे. लेकिन मसला जाता है कि आप इस्लाम का लेबल इस्तेमाल करते हैं. Ismailism is mixed with paradox philosophy and indoctrination of its followers. This is mentioned in biography entitled The Aga Khan by Will Fresho, which is now not available. Now, सारी किताबें गायब कर दी इन लोगों ने. कुछ किताबें हैं हमारे पास, अगर किसी को चाहिए तो जरूर मिल जाएंगी. एक घंटा 55 मिनट हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट हो गया है.
कहते हैं इस्माइली एक शैतानी मिक्स है काफिर और हिंदू का, इस्माइलीज आर नॉट मुस्लिम्स। देखिए हम तो अभी ये काफिर और ये वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ हकीकत दिखाना चाह रहे हैं और काफी हद तक आज के प्रोग्राम में हमने इनकी हकीकत को दिखाया है, एक्सपोज किया है। काफी सारी वीडियोस हैं, शायद घंटों का प्रोग्राम हो जाए। अभी भी हमें माशाल्लाह से 60 लोग अभी देख रहे हैं व्यूअर्स में, लेकिन प्रोग्राम का वक्त कंप्लीट हो चुका है। 2 घंटे मैक्सिमम हम प्रोग्राम करते हैं। अगर कोई इस्माइली आ जाएगा तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट है, अगर इन 5 मिनट में कोई इस्माइली भाई बहन हमसे बात करना चाहता है, या खलील अंदानी, खलील अंदानी को भाई या बहन ही कहते हैं हम, इनको मिशनरी कहते हैं। मिशनरी एक अलग किस्म की मखलूक होती है। इस मखलूक में से एक मखलूक खलील अंदानी कहते हैं, आई डू नॉट गेट पेड फॉर दिस दिस एंड इट इज ऑल सेवा एंड फॉर द लव ऑफ द इमाम। ये सेवा करने निकले हैं, झूठा है, झूठा है। अशरफ अली के फेस से पता चल रहा है कि वो खलील अंदानी को कोई डंडा मारने लगे हैं। मैं वेट करती हूँ उस कमेंट को शो करने के लिए। तो खलील अंदानी झूठा है क्योंकि इस तरह इतनी डेडिकेशन से ऊट पटांग हरकतें। आयशा शेख आ गई हमारी सिस्टर, कहती हैं डोंट गेट एंग्री एट व्हाट दे डू, दे आर फॉलोइंग देयर इमाम्स फुटस्टेप। बिल्कुल सिस्टर, हम एंग्री नहीं होते बल्कि हम एंजॉय करते हैं खलील अंदानी जैसे इस्माइली की मिशनरी की बेबसी को। बाकी तो जो हमारे भाई बहन हैं इस्माइली, उनको हम ये भी कह सकते हैं कि बेचारों को बहुत शॉकिंग उनके लिए कंडीशन होती है। हर इस्माइली के साथ जब ये चीजें आती हैं तो वो बहुत परेशान भी होता है, उसके लिए उसकी जमीन हिल जाती है, आसमान गिर जाता है, इस तरह की कैफियत होती है। और हम तो उन्हीं के लिए फिक्रमंद है भाई, वो हमारे भाई है बेचारे, बहन है बेचारी भाई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सलीम भाई देखो, खलील अंदानी तो कुरान में से, कुरान पढ़ता ही इसलिए है कि उसमें से लोगों को गुमराह करे, लेकिन जो बेचारे इस्माइली भाई है ना, उनको कुरान से दूर रखा जाता है, इस्माइली जमात को। बिल्कुल, तो जो ना पढ़े उसका गुमराह होना, उनको तो फिर हम यही कह सकते हैं कि आप कुरान पढ़ो। लेकिन खलील अंदानी के लिए, आफ्ताब हुसैन मिशनरी के लिए, अबू अली तो गया जहन्नुम वसल हो गया, उसके लिए तो अब कोई दुआ हम कर नहीं सकते। लेकिन हम दुआ करेंगे खलील अंदानी के लिए, आफ्ताब हुसैन मिशनरी के लिए, कि अगर ये लोग राह रास्त पर आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाए, कितने इस्माइली जो है वो अपने दीन इस्लाम पर वापस आ सकते हैं। नमाज, रोजा, हज, जकात, जिस तरह बाकी मुसलमान उम्मत कट्ठी है, सारे इकट्ठे हो जाएं और हम भी ये कह सकें कि ये कभी इस्माइली थे, आज हम सब मुसलमान हैं। लेकिन खलील अंदानी और आफ्ताब हुसैन मिशनरी जैसे लोगों ने लोगों से उनका ईमान दूर कर रखा है, अल्लाह को उनसे दूर रखा है। अशरफ अली का कमेंट आ गया है, कहते हैं सेवा कम विथ मेवा इन फॉर्म ऑफ रोकड़ा, सो योर जॉब टाइटल इज सेवा। बहुत अच्छा कमेंट किया है खलील अंदानी, इसका बैनर बना के अपने रूम में चिपका लो, फिर तुम्हें सही समझ आएगा कि सेवा क्या होती है। अच्छा वो क्या हुआ कल का, उसने कुछ प्रोग्राम कर लिया कुछ, उसका बोला मैं आऊंगा, मैं प्रोग्राम अरेंज करूंगा मेरे कोई मुफ्ती के साथ, या क्या सुन्नी मुफ्ती के साथ? अरे कभी, ये बंदा बस बात कर रहा है, इसने कभी नहीं आना। अभी इसको सिर्फ इतना ही बोला ना कि ठीक है तुम अपने मर्जी के रूल्स रख लेना, आके कॉल पे तो आ जाओ ना, माइक पे बात करो, ताकि हमें पता चले कि तुम एटलीस्ट, हम अभी डिस्कशन भी नहीं करेंगे, हम डिबेट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत बहुत ज्यादा डरपोक है, माइक उठाओ, आके कहो जो तुम हमें कमेंट पे कह रहे हो ना कि भाई मेरे ये रूल्स है, आ जाओ बात कर लेते हैं। लेकिन वो ये भी नहीं कहने आ रहा ना, आई डू नॉट नीड योर ड्यू, माय इमाम इज इनफ। वो तुम्हारा इमाम तो अपनी बीवियों के लिए भी काफी नहीं था भाई, वो बेचारे अपने अपने बेचारे शौहरों को दूसरों में ढूंढ रही है अभी, वो दूसरा निकाह करके वो बेचारी। अच्छा इसको कोई कोई ये खागा खान को कोई एक मुस्लिम औरत नहीं मिली यार, कि जितनी खूबसूरत खूबसूरत है दुनिया के अंदर है, एक मुस्लिम औरत से इसने निकाह नहीं किया। वो कहते ना मोमिन औरतों के लिए मोमिन मर्द और जानी और मर्दों के लिए जानी औरतें होती हैं। हाँ, तो है, तो है, वो उसको सारी वही बदकार औरतें चिपकती हैं जो कुछ अरसे के बाद इसका और इस्माइलियों का पैसा खा के भाग जाती हैं और फिर यहूदियों के साथ घूम रही हैं। सही है, ये कहते हैं कि मेरा इमाम इनफ है,
तो फिर जब कुरान में कयामत के जो किस्से हैं जो कि भी हुए नहीं है, उसमें जो लोग हैं वो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमको दुनिया में भेज दे ताकि हम रसूल के रास्ते पे चलें, यानी वो कन्फेस कर रहे हैं कयामत के दिन कि हमको एक चांस दे कि हम दुनिया में जाएं और रसूल के रास्ते पे चलें, और अल्लाह फिर कहेगा कि क्या मैंने तुम्हें कुरान नहीं भेजा था, तुमने कुरान नहीं समझा, मतलब तुम क्या कर रहे थे, अल्लाह कहेगा मतलब तुमको, तुम इसको समझ नहीं सके, तुम व्हाट वर यू डूइंग, अल्लाह बोलेगा। तो जहाँ भी कयामत का जिक्र है वो यही कहा है कि रसूल के रास्ते पे चलेंगे हम दुनिया में आके, कि एक चांस हमको दे दे। तो ये किस तरह से कह रहा है कि इमाम और इमाम मेरे लिए काफ़ी है, जब भी किताब को ही नहीं मान रहा, बार बार हर सूरत स्टार्ट होती है कुरान की तो किताब के नाम से, कि ये जो है ये किताब तुमको जो है ना नूर की तरफ ले जाती है, सही है ना, हमने किताब नाजिल की जो तुमको अंधेरों से नूर की तरफ ले जाती है, तो किताब तो बेसिस है। अब ये कहता है किताब तो है ही नहीं, किताब तो लिखी नहीं जानी चाहिए थी, इसने तो किताब को माइनस कर दिया, तो कुरान का 75% तो किताब पे ही बात हो रही है ना, जो इसने माइनस कर दिया, तो अभी किस तरह से कर रहा है, ये तो फिर इमाम कुफर है जो कि कुरान को ही नहीं मान रहा। कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह की वही से फैसले ना करे वही जालिम है, जो अल्लाह की वही से फैसले ना करे वही फासिक है, और जो अल्लाह की वही से फैसले ना करे वही काफिर है। तीन चीजें आई हैं, जालिम है, फासिक है, काफिर है। तो फिर इतनी क्लियर बात अल्लाह ने कह दी तो और इसने कुरान को ही माइनस कर दिया, आप ही देख लें। नहीं, कुरान जो है रोशनी की तरफ लेके जाती है और हाजिर इमाम जो है ना अंधेरों की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, मतलब माशाल्लाह, नूर की तरफ कुरान ले जाता है। रसूल के लिए कहा कि ये कुरान की वजह से तुम हिदायत पर हो, और ये भाई साहब ने कुरान को ही माइनस कर दिया कि इसको तो हजरत उस्मान ने गढ़ा है। अनीश भाई ने सवाल किया है खलील अंदानी से कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन आबे जमजम, और एक और क्वेश्चन अनीश भाई ने किया है आखिर में खलील अंदानी से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आबे शफा एंड आबे जमजम। ओ, जवाब खलील अंदानी से ले लेते हैं, खास ने एड्रेस किया है अनीश भाई को। खलील अंदानी कहता है, अनीश अवाडिया, दिस इज व्हाई वी हैव नयाज, प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू पर्सनली गिव पीपल आबे जमजम एंड नयाज इज फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। तो भाई खलील भाई, प्रॉफिट मोहम्मद तो रुकू भी करते थे, अजान भी देते थे, कयाम भी करते थे, तो फिर आप जब प्रॉफिट मोहम्मद की इस चीज को मान रहे हो तो फिर रुकू को, अजान को, कयाम को क्यों नहीं मानते, रसूल की नमाज को? अरे लेकिन ये आबे जमजम बाकी सारी बातों को छोड़ देते हो। नहीं, जो पहले उन्होंने क्वेश्चन किया वो तो वो बता नहीं रहा, ये दूसरी बात ही बोल रहा है ना, आबे जमजम और आबे शिफा, इसका डिफरेंस तो बता भाई, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका मतलब मालूम? सही बात। खलील भाई, खलील भाई को बोलो, प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू प्रे लाइक द ईद नमाज, यू नो यू विल प्रे लाइक ईद नमाज, यहाँ इनकी सिट्टी गोल हो जाती है। भाई रसूल अजमीर अली कहते हैं अच्छा, बाकी ये डिफरेंस नहीं बता पाएगा आबे शफा का और आबे जमजम का, ये अनीश भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। खलील अंदानी लगता है ऑन द रन है। अजमीर अली कहते हैं, पहले जाकर कश्मीर पर बात करो, जो तुम लोग मुस्लिम औरतों का रेप करते हो, शर्म नहीं आती है इंडियन फोर्सेस को, तो इमाम क्यों चुप है, आपके हाजिर इमाम क्यों मोदी से जो है वो अवार्ड्स लेते फिरते हैं और खैर सगाली का पैगाम दे रहे हैं? आपके इमाम को चाहिए ना कि मोदी उसका दोस्त है, उसका यार है, उसको बोले कि भी तुमने कश्मीर में ये क्या हरकतें की, तुम्हारे इमाम को तो चुप लग जाती है, बाकी हमारे लिए तो फतवे नाजिल हो गए कि तुम लोग जाके कुछ करते नहीं कश्मीरियों के लिए, हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी रैलीज निकलती हैं वो मुसलमान ही निकालते हैं, आज तक इस्माइलियों के इमाम ने क्या किया है, कहा है कभी किसी इस्माइली जमात को कि आज तुम लोग निकलो, आज जमात खाने में तुम लोग जो है वो कश्मीरियों के लिए दुआ करो, कोई प्रेयर करो, कुछ भी नहीं है। मिसबा जावेद कहती हैं, सो यू आर सो कॉल्ड मुस्लिम, आर यू रियली रिप्रेजेंटिंग इस्लाम, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, आर यू रियली स्प्रेडिंग पीस, जस्ट लुक एट द नेगेटिविटी लेवल एंड दैट लेडी बिहाइंड माइक हैज अ पर्सनल ग्रजेस विद इस्माइल। पर्सनल ग्रजेस नहीं है मेरी बहन मिसबा, अगर पर्सनल ग्रजेस होते तो मैं आपकी जात पे, आपके अभी प्रोफाइल पे जाती हूँ और आपकी ये जो पिक्चर्स आपने लगाई हुई है पैंट्स और शर्ट में, मैं आपको वो एक्सपोज करती, लेकिन मेरा आपसे पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, बल्कि हमसे आपसे हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि आप रियल इस्लाम को पढ़ो, कुरान को पढ़ो,
तभी ये प्रोग्राम किया, हमारा पर्सनल एनिमिटी कोई भी नहीं है आपसे। अनीश भाई अच्छे खलील अंदानी के पीछे पड़ गए हैं। आई एम एंजॉयिंग दिस खलील, प्लीज ट्राई क्लियर डिफरेंस विद द विजडम ऑफ माय क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आबे जमजम एंड आबे शफा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है खलील अंदानी, कहते हैं वी डू ऑल दैट देयर इज एन इस्माइली नोसिस ऑन द एसोटेरिक बातिन ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम सलात टू दुआ। कमर भाई ये कहते हैं हम करते हैं, आप कैसे कह रहे हो कि हम नहीं करते हैं? इनके हिसाब से मेरे ख्याल से खलील खलील अंदानी जो है ना बातिन का ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ये असल में इस्माइली मजहब जो मेरे भाई ने बोला ये बातिन नहीं है, बातिल मजहब है, बातिल मजहब। देखें बात ये है कि रसूल सल्लम ने जब रकू किया तो क्या उनको नहीं पता था कि बातिन क्या है रकू का? उनको पता था ना, तो मार्फत के सबसे ऊंचे दर्जे में थे, तो उन्होंने इस तरह नमाज पढ़ी और अल्लाह ने कहा कि तुम रसूल की तरह ईमान लाओ तो हिदायत पर हो। तो जब रसूल ने कर दिया तो ये समझते हैं कि इस्माइली रसूल से भी ऊपर है जो रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ रहे। ये तो खाली कुछ वर्ड कहते हैं कोई अपने दिमाग में। खलील कहता है कोई डिफरेंस नहीं है आबे जमजम और आबे शफा में, ये देखे जी सलीम भाई कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। लो क्या बोलूं मैं इसको भी क्या बोलेंगे, यानी जो इतने सारे मुसलमान हज पे जाते हैं और जमजम के कुएं पे जमा होते हैं, वहां का बाबरकत पानी लेके आते हैं, इनके हिसाब से जिस जो पानी में इनका इमाम फूंक मार देता है वो और आबे जमजम इक्वल हो गए। अरे वही डिफरेंस है जो एक नदी के पानी में होता है या एक स्प्रिंग के वाटर में और एक गटर के पानी में होता है, ये गटर का पानी है आबे शिफा। सलीम भाई तो इमोशनली हो गए, कश्मीरी शहीदों के कर रहा है क्या, कुछ भी बोलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जमजम की क्या अजमत है और ये क्या आबे शफा की बात कर रहा है? वो गिजा है, आपको मालूम है भूखे का पेट भर सकता है, अगर वो कुछ ना खाए तो कई दिनों तक महीनों तक वो आबे जमजम पे जी सकता है। सलीम भाई आबे जमजम आज तक सूखा नहीं, इतने सदियों के बाद भी इनका इमाम एक मरता है, दूसरा मरता है, तीसरा मरता है, इनके तो इनका आबे जमजम मर मर के उठ रहा है, तो ये क्या कंपैरिजन करेंगे हमारे जमजम के कुएं के साथ अपने इमामों की? इनके इमामों को तो मौत ही आ जाती है, जमजम को आज तक मौत नहीं आई है, इंशाल्लाह ना आएगी आखिरत तक, कहते कयामत तक भी जो है वो कायम रहेगा इंशाल्लाह। तो ये इनके इनके इमाम की हकीकत ये है कि ये कोई टिक के 100 साल तो जी नहीं सकता और मुकाबला करता है सदियों साल से जो आबे जमजम रवा तवा है उससे मुकाबला कर रहा है आदमी अपने इमाम का। खलील अंदानी इन्हीं बातों से डरता है ना, उसको पता है इतने कोई जूते पड़ने वाले ना, एक दफा कॉल पे चला गया तो खलील इंग्लिश में बोलेगा मैं उर्दू में पीटूंगी उसको पता है खलील खलील बहुत बुरी तरह पीटेगा मुझसे, आ जाओ जरा एक दफा खलील। क्या ये इतने ब्राइट्स क्या लिए कश्मीर, क्या कहते हैं भाई इतने ब्राइट्स क्या? अशरफ अली ऑल माय आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन द बुक दैट ITREB क्या इतने ब्राइट्स इतने मतलब। अच्छा मैं इसमें पढ़ती हूँ, ये तो कश्मीर का है ईमान की दावत है। शाजीब सलीम कहते हैं वी रिसाइट फ्रॉम परी का बोर्ड है ना वो जो इत्रब, इस्माइली इग्नोसिस इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय इत्रब, ये है इस्माइली तरीका, तरीका ना क्या इत्रब से तरीका तो आता है लेकिन एक्चुअली टी से बहुत कुछ भी आता है। नहीं नहीं मैं बताती हूँ बताती हूँ, मुझे जहन में था एक मिनट बताती हूँ, जहन में तरीका एजुकेशन बोर्ड रिलीजियस एंड एजुकेशनल बोर्ड इस्माइली तरीका रिलीजियस एंड एजुकेशन बोर्ड बराबर बराबर बराबर। अच्छा तरीका भी एजुकेशन भी है, वो जिसने इतना बनाया वो उसको ये भी पता है कि तरीका और एजुकेशन, लेकिन बोल रहा है ये भी है ना कि इस्माइली जिनोसिस ये तो इसका है ना इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा हाँ मतलब ये वो बता रही है, तो अशरफ अली बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वो तो बराबर तो बोल रहे हैं, वो सही कह रहे ना कि जब अगर खलील अंदानी के आर्टिकल्स इतने कोई इम्पोर्टेंट होते इस्माइली के उसके हवाले से तरीके के हवाले से और रिकॉग्नाइज होते तो इत्रब उसकी बुक बना के अभी बच्चों को सिखा रही होती ना कि ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, तो ये हमें बार बार कहता है आर्टिकल की तरफ जाओ, आर्टिकल तुम्हारा आर्टिकल पढ़े क्यों जब तुम्हारे अपने लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हाँ
आपने अपनी कब्र में जाना है और हमने अपनी में, सो बेटर शो कंसर्न अबाउट योर ओन सेल्फ बाजी। ठीक है बहन, छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन, मुझे अपनी कब्र में जाना है, लेकिन एटलीस्ट मुझे कब्र में जाके मुनकर और नकीर को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आप किसको जवाब देने लगी हैं? क्या आपको यकीन है कि आपका, आपकी रूह जो है वो इमाम के नूर में मिक्स हो जाएगी, आप असल में वासल होंगी? यकीन है आपको? अगर यकीन है तो आ जाओ मेरी बहन, अगर तुम सच्ची हो तो। Habe Shafa is dirty water as Aga Khan unwashed hands are merged in it. Habe Zamzam is natural stream of water in desert of Makkah. Subhan. जो कि नबी की एड़ियां लगने के बाद हजरत जिब्राइल के पर से जो है वो उन्होंने जब उसको मारा उस जगह पर, तो तब ये जो है वो इतना प्यूरिफाइड वाटर मिला है। जब नबी के पैर जहां पर थे और फरिश्ते के पर लगे, क्या कंपैरिजन कर रहा है खलील अंदानी? मेरे पास एक आर्टिकल है कि आगा खान सोल्ड हिज बाथ वाटर, दिखाती हूँ मिनट। ये जिसको आबे शफा कह रहा है ना, वो असल में आगा खान का बाथ वाटर होता है, नहाने का पानी जिसमें वो बैठता है, वो उसको वो बेचता था। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे, फिर आबे शफा का क्लियर हो जाएगा। डर्टी बाथ वाटर, आगा खान बाथ वाटर सोल्ड, उसको उन्होंने टाइटल दिया था अंग्रेजों ने, अल्लाह वाटर सोल्ड एट हाई प्राइस। में दिखाती हूँ उसको कहाँ गया। अच्छा देखो, इसने एक लिखा है द इमाम डाइज बट द नूर नेवर डाइज। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये, चलो भाई इमाम डाइज बट द नूर नेवर डाइज, पर आपका नूर इतना गलीज है कि उसको एक अच्छा कैरेक्टर नहीं दे सकता दूसरे आगे आने वाले इमाम को? ये कौन सा नूर है भाई जो इतना कैरेक्टर एसेसिन, पूरा कैरेक्टर की सत्यानाश कर देता है इमाम की? अच्छा ये देखिए, ये आबे शफा जिसको कह रहा है ना, अभी मैं खलील अंदानी के मुंह पे मारती हूँ, जिसको ये कहता है कि ये आबे जमजम के बराबर है। खलील अंदानी, ये तुम्हारे इमाम की हकीकत है। ए मेरे इस्माइली भाई जो है ना, सफेद सफेद जो चेहरा है उसको मेरे ख्याल से नूर की नूर समझते हैं, जो जिसका सफेद ज्यादा चेहरा होगा उसमें ज्यादा नूर होगा, तभी मेरे ख्याल से जो हाजिर माह में ये क्रिश्चियन वालों से शादी करते हैं ताकि लोगों को पता चले आप ज्यादा गोरे हैं। ये लो जी, ये आगा खान का बाथ वाटर सेल्स एट हाई प्राइस, मुरीदीन को छोटी छोटी बॉटल्स में ट्रांसफर करता है आगा खान। ये न्यूज में आर्टिकल था, द प्रेजेंट आगा खान द थर्ड वॉज बोर्न ऑन 1830, पूरा आर्टिकल है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि कैसे इनके इमाम छोटी छोटी बॉटल्स में अपने नहाने का गंदा पानी, ये देखिए जी, अपने नहाने का गंदा पानी। ये न्यूज पेपर की क्लिपिंग है, किसी को चाहिए मैं लिंक में सेंड कर देती हूँ। आबे शफा कोई आबे शफा नहीं, इनके इमाम जिस गंदे बाथ वाटर में टब के अंदर बैठते हैं उसका पानी ये आपको शिप करके भेजते हैं। तेरे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हटा के ये लीजिए। कहाँ गया खलील अंदानी? खलील अंदानी, तुम अपने इमाम का गंदा नहाने का पानी पीते हो जिसको तुम आबे शफा कहते हो। ये लो, क्या कह रहे हैं? खलील अंदानी नहीं पीता, इसका कोई फेथ नहीं है इस्माइलिज्म में, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर पेड है। ऐसे बंदे जो होते हैं ना, जैसे फराद दफ्तरी, ये सारे इस्माइली नहीं होते। इस्माइली सिर्फ वही होते हैं जिनको कोई चीज पता नहीं है मजहब के बारे में। ये खलील अंदानी, मुझे नहीं लगता ये आबे शफा भी पीता होगा। अच्छा देखो, एक बात और इसने बोला है, ये आबे जमजम को अपने हाथ में लेते हैं, तो ये आबे जमजम उसके हाथ में आने के बाद बनना चाहिए ना, ये तो पहले से ही आबे जमजम था। खुद ही कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे जमजम को अपने हाथ में लेते थे और लोग पीते थे। अच्छा, तो ये ठीक है, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ तो मैं आगे का वर्ड नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये हाथ में लिया है आबे जमजम, तो आगा खान के बारे में लिख रहा है शायद। नहीं, वही कि ये ब्लेस कर रहा है कि देखो, अगर आबे जमजम अगर सेम होता तो नबी कोई भी पानी लेके स्ट्रेट पिला देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो आबे जमजम को ही हाथ में लेके और अपने जो लोग होते हैं उनको पिलाते थे ब्लेस करने के लिए। तो नबी की जो तबारकात है, उनके बाल का धोबन था, कब कुर्ते का धोबन था, वो तो साबित है ना। लेकिन तुम्हारा इमाम जो शराब बेचता है उसका धोबन, उसका गंदा पानी कैसे जमजम बन सकता है? और यहाँ पर अखलाक
वो मतलब अंग्रेजों ने उनके बारे में लिखा है कि वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स है, उनका उनके कैरेक्टर के बारे में कैसी ऊंची तारीफ है। ये कहता है कि दिस इज टैबलॉइड, द इमाम नेवर सेल्स हिज बाथ वाटर। अच्छा, तुम्हें जिस चीज पे यकीन ना है वो टैबलॉइड हो गया, और अगर यहीं पे तुम्हारे इमाम की अच्छी बात पढ़नी हो तो तुम्हारा आर्टिकल पढ़ लें। टैबलॉइड गलत है लेकिन तुम्हारा आर्टिकल सही है, जिसको तुम्हारे खुद इस्माइली इतरब वाले जो है बोर्ड वाले वो रिकग्नाइज नहीं करते। देखें इतना कोई इमाम के चम्मच, इमाम के बर्तन जो दीदार के बाद होते हैं ना, वो सब नांदी हो जाते हैं जी। ये तो मैंने आंखों देखा है कि दीदार के बाद जो जिस कारपेट पे चलते हैं वो भी नांदी हो जाता है, और लोग बहुत भारी कीमत में खरीदते हैं। अच्छे खासे पैसे आते हैं अच्छे खासे पैसे। दीदार के टाइम पे ये कारपेट था, दीदार के टाइम पे ये चम्मच थे, प्लेट थे, ये क्रोकरी थी, तो वो बहुत भारी कीमतों पे जमा थाने में नांदी होती है। क्या खान साहब इस पे चले भाई, उसका तो कमोड भी बिक सकता है। हाँ, कमोड नहीं बिकता है, कमोड बिकता होगा। तो अगर रसूल सल्लम आबे जमजम अपने हाथों से पिलाते थे तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो आबे जमजम ही पिलाते थे ना। यूज्ड टू, ये कहते ही प्रॉफिट यूज्ड टू डू दिस, प्रॉफिट यूज्ड टू डू दैट। उसको ही नहीं पता कि प्रॉफिट यूज्ड टू, हाउ प्रॉफिट यूज्ड टू प्रे, हाउ प्रॉफिट यूज्ड टू ग्रीट। प्रॉफिट क्या गालीमत बोल के ग्रीट करते थे, प्रॉफिट तो अस्सलाम वालेकुम बोल के ग्रीट करते थे। तो इसको नहीं पता कि प्रॉफिट ग्रीटिंग क्या थी, प्रॉफिट की नमाज क्या थी, प्रॉफिट वजू कैसे करते थे, इसको नहीं पता। जो जहाँ इसको इमाम की अपनी जो है वो डिफेंड करना है, वो हर चीज उठा लेते हैं। अरे तो ईसा अलैहि सलाम या सलाम अलैकुम औरत को डिफेंड में सब उठा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अस्सलाम वालेकुम बोलते थे, ईसा अलैहि सलाम भी कभी वो ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम ही था। हाँ, तो फिर ग्रीटिंग यालीमत किसने बोला? ये यानी यालीमत तो एक टैबलॉइड है, ये टैबलॉइड है ग्रीटिंग। हाँ, राइट। हाँ, ग्रीटिंग तो अस्सलाम वालेकुम ही थी रसूल सल्लम की। कभी इन्होंने यालीमत बोल के ग्रीट किया किसी को खलील भाई? प्रॉफिट यूज्ड टू डू मेनी थिंग्स, बट द ओनली थिंग यू वांट टू टेक इज दैट you want to prove your point। लो फिर से आ गया डायमंड आ गया। हाँ, लिखा है ना वो खलील अंडा नहीं है, डायमंड can never become impure। मैं देखो रख मैं वहां पे देख रही थी। अच्छा, इनका इमाम कभी गंदा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अ डायमंड can never become impure। अरे पर डायमंड की भी अलग अलग कैरेट्स होते हैं, उसके भी अलग अलग किस्में होती है, नकली डायमंड है ये। वो हमें क्या पता है डायमंड है भी या नहीं, उसको तो पहले काटना पड़ेगा, हीरा हीरे को काटता है। आ जाओ हमारा कोई मुकाबला करवा लेते। खलील अंदानी के लिए अनीशा रवादिया कहते हैं, व्हाई डिड इस्माइलिज्म डिस्कवर आबे सफा, रिप्लाई। हाँ, ये सही बात है, जब आबे जमजम मौजूद है तो आबे सफा का क्या जरूरत थी। कहते हैं ये बकवास बंद करो, किसी मजहब की आजाद पे बात मत करो, ये सब बकवास है बातें हैं, पहले इस्माइली तरीका पढ़ो फिर बोलो। पहले इस्माइली तरीका पढ़ो, इस्माइली तरीका हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई। इस्माइली तरीका अगर आप पढ़ोगे ना, आप अगर इस्माइली तरीका पढ़ोगे तो इंशाल्लाह छोड़ दोगे इस्माइली मजहब। हाँ, एग्जैक्टली। मैं हम सारे आधे लोग तो आधे लोग अब कल आबे शफा, जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, वो कल आबे शफा पीते हुए ना इस्माइली हजरात थोड़ा डरेंगे कि ये ना हो कि इमाम के ना आने का पानी हो जिसमें उसने काफी देर डुबकी मारी है और पता नहीं क्या कुछ किया है। तो आबे शफा पीते हुए थोड़ा जी जी अभी अभी लेकिन इनके सब जमात खाने बंद है ना ये कोरोना से, जब खोलेंगे ना तो हमारी बातें याद आएंगी इनको। तो अभी सब बेचारा नहाने का पानी जमा कर करके वहां पे टैंकर भर के रखा होगा जी। ये जो बोलते हैं ना इस्माइली मजहब पढ़ो, तो एक बार ये मौलाना करण अर्जुन का जो मौलाना करण अर्जुन जो बोलते हैं वो उनका हाँ। वीडियो लगा दो तो ये इनको याद आ जाएगा कि इस्माइली मजहब है क्या। मौलाना कृष्ण वाला, हाँ हाँ उसी में जो बोलते हैं मौलाना करण अर्जुन कृष्णा, हाँ वही मौलाना मौला बोले दिन है तो रात है, बोलो खुदावन रात है।
ये तो वो तो इस्माइली तालीमात है ना, वो तो किसी और की तो तालीमात नहीं है ना, वो तो कोई अशनासरी या सुन्नी या क्रिश्चियनिटी का तो वो आलिम नहीं है, वो तो इस्माइली का आलिम है ना। तो अब ये किस दलील से बोल रहे कि इस्माइली मजहब पढ़ो? नहीं, वो भी वो अपने को हाईलाइट कर रहा है कि भाई मतलब इस्माइली मजहब पढ़ो, तो मतलब बेचारे जितने जो नहीं पढ़ रहे ना वो लोग को बोल रहा है पढ़ो, ताकि तुम लोग भी हमारे हमारे ऐसे अपने ग्रुप में आ जाएंगे बेचारे वो भी। ओके ओके सही। ये वाला वीडियो सुने, ये मुझे बड़ा सही लगता है। इनका इनके अकाय कोई उसकी मिसाल की तरह, और उसकी मिसाल इमाम है, तो फिर ये मसला हल हो गया। मगर तबसरा करने वालों में बहुत से मसाइल, जैसे खुदा अर्श पर है। अब मसला है कि खुदा अर्श पर मुस्तकिल हो गया तो वो जुग्राफियाई हो गया, हल न दारन। अब हमारे पास इस्माइलियों के पास इसका हल है, और वो ये कि जहाँ इमाम है वो ख्वाब में अगर तख्त पर या अर्श पर बैठा है तो वो खुदा की मिसाल है। अगर खुदा की मिसाल ये है तो खुदा का इस्म आजम और खुदा का इस्म अल-ज़ाहिर भी इमाम के लिए, ये वही पॉइंट है। जी, इमाम अगर तख्त पे बैठा हो तो वो खुदा की मिसाल है, ये इनका वाटर इन द वेल इन जमजम डजंट बिकम्स आबे जमजम अंटिल प्रॉफिट मोहम्मद डजंट टच इट। अजीब 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 खराबात ले आता है, बेवकूफ है वो इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से आबे जमजम ही है वो, और जमजम क्या बोल रहा है वो कुछ मालूम ही नहीं है। यानी के कुएं के पानी को जब वो हाथ लगाए, लेकिन आबे जमजम तो नाम उसी वक्त ही पड़ गया था जब हजरत इब्राहिम ने एड़ी मारी थी और हजरत जिब्राइल ने वहां पर जमजम जब, और वो जमजम नाम ही उसका इसीलिए पड़ा कि जारी हो जा, जमजम का मतलब यही है कि जो जारी हो गया। तो ये अजीब अजीब। अच्छा, ये आदमी ना इसकी पागलपन का वजह जैसे आप बताई थी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि इमाम की बीवियां जब छोड़ गईं तो इमाम पागल हो गया, यहाँ पे खलील अंदानी के पागलपन की भी वजह एक औरत ही है। कुछ दिनों में एक्सपोज करेंगे जरूर इंशाल्लाह, लेकिन फिर खलील अंदानी रोएगा कि मेरी जाती जिंदगी पर आ गए। चलो नहीं आते, लेकिन खलील अंदानी पागलपन वाली बातें मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभी तुम आबे शफा पियो, तुम्हारे इमाम का सोपी बात वाटर जो कि हाई प्राइस में सोल्ड होता है तुम्हारे लिए शायद फ्री होगा। कितने का मिलता है? लेकिन सही में मुझको पता नहीं था कि ये नहाने वाला पानी है, नहीं तो मैं पहले भी कभी मैं जब भी खोजा था तो पिया हूं, अभी मेरे को यार क्या बेवकूफी कर डाला यार। देखिए मैंने आप लोगों को ये चीजें ना इनके इनके बहुत जो जो कहता है न्यूज आर्टिकल्स वो हैं जो अब ये आपका कहाँ से जिसकी किस माली को जिसको पता ही नहीं है कि मेरा इमाम ये काम भी कर सकता, वो कभी सर्च ही नहीं करेगा कि आका खान अपना बाथ वाटर सेल करता है। लेकिन जब लिखेंगे तो वो फिर आपके सामने आएगा ना कि ये चीजें ऐसी होती हैं। तो अच्छा, इतना ही खलील अंदानी के लिए एक एडवाइस है, खलील अंदानी के लिए एक बड़ी एडवाइस मेरी तरफ से है कि खलील अंदानी देखो जो भी कर लो ऐसे कुफराना बातें मत करो कि ये आबे जमजम है या ऐसा करते हैं ना, ये है ना कुरान को ऐसा है ना। देखो इतने दंडे पड़ेंगे मरने के बाद में, फिर याद आएगी ना फिर पछताओगे, तो खामोश रहो, अच्छी चीज है खामोश रहो। नहीं नहीं उसको बोलने देना, उससे जितना फायदा खलील अंदानी ने हमारा किया किसी ने नहीं किया होगा। खलील अंदानी तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमारे लिए, सारा इस्माइली मजहब खोल के हमारे सामने कर दिया, बात नहीं तो कुछ रहा नहीं, सब कुछ जाहिर कर दिया। थैंक्स टू खलील अंदानी। वीडियो किधर गई हमारी? कि हजरत तभी मोहम्मद जब मेराज के ऊपर गए, मेराज में जब आप एक के बाद एक आसमान के ऊपर चढ़ रहे थे, सैयदना लिखते हैं कि सातवें आसमान पर आए, देखते हैं कि क्या दिखा उनको कि एक खूबसूरत हस्ती के जिसके चेहरे से नूर टपक रहा है, तख्त के ऊपर विराजमान है, अतराफ में फरिश्ते खड़े हैं,
फरिश्ते उसकी तस्बीह करते हैं, तख्त के ऊपर वो जलवागर बैठा हुआ है। हुजूर हुजूर जिब्राइल को पूछते हैं, जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूलल्लाह आगे बढ़ो, उनके नजदीक जाओ और उस पर सलाम करो। हुजूर नजदीक जाते हैं, नासिर खसरो लिखता है कि जब हुजूर नजदीक पहुंचे और तख्त के ऊपर देखा तो हैरान हो गए। हुजूर ने सलाम किया, जिब्राइल को कहते हैं, जिब्राइल अरे ये तो अली इब्ने अबी तालिब है, अरे ये यहाँ कहाँ से आ गया? जिब्राइल कहते हैं, या रसूलल्लाह अली तो मजहर अल अजायब है, अली तो अजायबियों को जाहिर करने वाला है। या रसूलल्लाह अर्श और कुर्स जो है, यानी जमीन, ये पृथ्वी और आसमान जो है, उसका जो बुनियाद है वो अली है। अगर अली ना होवे तो ये आसमान और जमीन टिक नहीं सकती है। खुलासा करता है कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, तो जिब्राइल अमीन कहते हैं, सैयदना नासिर खसरो लिखता है कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि हमने गिरिया जारी की कि आए वो नूर, तू कभी हमको भी मुलाकात दे, तो हमारी गिरिया जारी कबूल करने में आई। और हर जुमा को और जुमेरात के दिन, हर जुमा को और जुमेरात के दिन तमाम फरिश्तों को, कितने फरिश्ते? जिब्राइल कहते हैं कि 70,000 फरिश्तों को ये नूर आसमान के ऊपर आता है और हमको दीदार देता है और हम उसके दीदार करते हैं। यहाँ जमीन के ऊपर शुक्रवार के दिन हम नूर पीते हैं, वहाँ आसमान के ऊपर शुक्रवार के दिन खुदा के फरिश्ते उसका दीदार करते हैं, उसके नूर के जाम पीते हैं, और हम जुमा को शुक्रवार को यहाँ नमाज, यहाँ न्याज पीते हैं। शुक्रवार को न्याज इसी के लिए रखने में आया। जुमा और जुमेरात दो ये वार जो है इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत रख लो जी। ये स्माइली जो अच्छा, है। मेरे को दो तीन सवाल था इस पे। एक तो ये देखो, ये मिशनरी कैसा कुफरानी बात कर रहा है, ये कहाँ से आ गया? रेस्पेक्ट, देखो रेस्पेक्ट देने की देखो बात कैसी बात कर रहा है ये, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये क्या नाम, जो ये नूर की बात कर रहा है कि हाजिर इमाम के अंदर नूर है और ये नूर पीते हैं, अच्छा वो नूर के पानी में चला गया और पानी पीते हैं फिर हा? और तीसरी चीज, अच्छा एक एक बात तो मुझे हमेशा खटकती है ये बात हमेशा, कि हाजिर इमाम के अंदर नूर है तो क्या ये जो इनारा और सलीमा जो थे उनको नूर नजर नहीं आया? वो तो साथ में सोते रहे, और इनारा की तो इनारा ने तो हद कर दी कि नूर को कोर्ट में भी लेके गई, तो हाजिर इमाम को पहले से पता नहीं थी कि भाई ये जो है मेरी बेगम मेरे को कोर्ट में लेके जाएगी, मेरे नूर माने मुझे लेके जाएगी, तो ये नूर उसको पता नहीं था, माने ये ऐसी शक्ति है हाजिर इमाम के अंदर कि भाई पता नहीं चला, और अगर पता चल जाता तो भाई ये कोई भाई एक पहलवान से कौन वो करेगा, गुस्ताखी करेगा कि भाई मैं इसके साथ ये करूं, तो डर जाएगा ना, तो ये हाजिर इमाम से डरने गई थी ये कोर्ट में लेके चले गए हाजिर इमाम को। ठीक है, ये जो वीडियो मैंने चलाई है ये आखिर में एक आई ओपनिंग थी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, 2.5 घंटे हमने प्रोग्राम स्ट्रीम किया, आखिर में इनका अकीदा बता दिया कि इनके इमाम आसमान पर फरिश्तों को अपना दीदार देने जाते हैं, आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो इनके इमाम के नूर का दीदार करते हैं, नीचे इस्माइली जो हैं वो आबे शफा पीते हैं, न्याज पीते हैं और अपने इमाम का दीदार उसके जरिए करते हैं। तो इस्माइली अकीदा एक्सपोज हुआ आज जितनी हद तक कोशिश की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने अगले प्रोग्राम्स में लेकर आएंगे इस्माइली अकीदे के हवाले से, इनको इसी तरह एक्सपोज करेंगे, इनके अकायद को सामने लाएंगे, क्योंकि दो तरीके होते हैं अपनी बात पहुंचाने के, एक तो होता है कुरान और हदीस से साबित करना कि तुम जो करते हो वो गलत है, कुरान और हदीस में ये है, और एक तरीका होता है कि तुम्हारे ही अकायद तुम्हारे मुंह पे मारे जाएं ताकि तुम रियलाइज करो कि तुम जिस चीज को फॉलो करते हो वो इस्लाम नहीं है। खुद तहकीक करो और बताओ कि ऐसा अकीदा तुम्हारे मजहब में क्यों है। प्रोग्राम को एंड करते हैं आप सबकी दुआ के साथ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ या फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.